मोनिशा जी, मोनिशा कैसे हो तुम? हाँ नमस्कार मैम। बढ़िया नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? मैम। सब लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए, मुझे देखने तो दीजिए कौन कौन है। ओके। हाँ कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। हेलो सुप्रिया, सबका तहे दिल से बहुत स्वागत एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टाइम। और हम लोग वेबिनार अभी स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले भी वूम हीलिंग का कोर्स किया है। ऑफ कोर्स वो हमने नॉर्मल अलग तरह से करा था। आई थिंक डॉक्टर इकबाल आप थी वूम हीलिंग में, पहले हाँ जी वाले मैम, वूम हीलिंग में, है ना? राइट हाँ जी मैं थी, मैं थी। हाँ करेक्ट, आप थे। और कौन है पहले वाले में से? देख नहीं रहा है मुझे ठीक से। ओके, तो उसमें हम लोगों ने, जैसे कि आपने देखा था कि वूम हीलिंग में हमने ज्यादातर विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस की थी, है ना? तो हमारा ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस या चीजें थी इन टर्म्स ऑफ एंसेस्ट्रल बैगेज या पास्ट रिलेशनशिप इश्यूज या जो भी अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस या एनी काइंड ऑफ इवेंट या सिचुएशन जो हमने फेस की हो एज अ वुमेन, एज अ फीमेल एंड एज ऑल्सो एज एन ऑर्गन। प्लस नॉट नेसेसरी के सब कुछ यही लाइफ का या इसी समय का या इसी जीवन का चीजें थी, बट देवर ऑल्सो के जो चीजें हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कनेक्टेड होते हैं अपने एंसेस्टर्स से। और हमारे एंसेस्टर्स में ऑब्वियसली मेटर्नल साइड पेटर्नल साइड दोनों होती है। फादर्स भी कैरी करते हैं, क्योंकि बच्चा तो ऑफ कोर्स इज बॉर्न आउट ऑफ लव ऑफ मदर एंड फादर। तो दोस जो भी इश्यूज हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं थ्रू जनरेशंस, चाहे दे आर कमिंग फ्रॉम द फादर साइड और दे आर कमिंग फ्रॉम द मदर साइड, राइट? तो आज जो ये वूम हीलिंग है, इस वूम हीलिंग का कोर्स में और जो पहले वूम हीलिंग के कोर्स में फर्क है, क्योंकि उसकी तकनीक, जो टेक्निक हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे वो फर्क है, और ऑफ कोर्स इश्यूज जो हम हैंडल करने वाले हैं वो भी काफी फर्क है। तो ये काफी डिटेल में जाएगा इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे इश्यूज होते हैं एज अ वुमेन हम फेस करते हैं, और या वूम हीलिंग के लिए हमको जिनकी आवश्यकता पड़ती है, राइट? इट्स गुड टू सी के आप में से कुछ देर आर मेल मेंबर्स ऑल्सो। सो ऑफ कोर्स ज्यादातर इसका एडवांटेज तो ऑफ कोर्स फीमेल्स को होता है, लेकिन इट इज नॉट के इट इज रिस्ट्रिक्टेड कि मेल्स कैन नॉट अटेंड या मेल्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इट। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आप जो पैटर्न्स कैरी करते हो या जो आपका वूम में ट्रॉमा होता है, स्टोर्ड होता है, वो जरूरी नहीं है कि इट इज कमिंग थ्रू योर मेटर्नल साइड ओनली, इट कैन कम थ्रू योर पैटर्नल साइड ऑल्सो। प्लस उसके अलावा हमारा वूम का जो पोजिशन है, जो जगह है, वो अगर हम सेक्रल चक्र कहें तो वही जो वुमेन के अगर हिसाब से देखें तो हमारा यूट्रस है और ये, बट मेल ऑल्सो हैज द फिजिकल बॉडी लाइक अस, बट ऑफकोर्स द ऑर्गन इज डिफरेंट। तो वहां पे हरा चक्र या उनका उस हिसाब से फर्क हो जाता है। कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जो वुमेन को ज्यादा समझ में आते हैं या वुमेन के से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई इसका आई मीन एनीबडी कैन टेक पार्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके, अब मैं कुछ चीजें शेयर करूंगी। सो आई थिंक हम सब, मोस्ट ऑफ अस हैव जॉइंट, सो एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वूम हीलिंग।
मेरा नाम मोनिका अलवालिया है और मैं ग्रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर हूँ, प्लस मैं बहुत सारी और हीलिंग मोडेलिटी सिखाती हूँ, जिसमें कि आजकल ऑफकोर्स शमानिक शमानिज्म पे मैं सिखा रही हूँ कोर्सेस, एंसेस्टर हीलिंग पे मैंने कोर्सेस लिए हैं और वूम हीलिंग का भी कोर्स लिया है। उसके अलावा ऑफकोर्स एज वी आर ऑल इंटू हीलिंग मोडेलिटीज, सो आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन थेरेपिस्ट एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। सो ये मेरा छोटा सा परिचय हुआ अपने बारे में। ऑफकोर्स मैं आप सबसे आपका परिचय नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन हम इस पे हम एक दूसरे से जरूर बातचीत करेंगे, पर उससे पहले आई नो आप सब उत्सुक हैं कोर्स के बारे में जानने के लिए या कोर्स के बारे में समझने के लिए, तो इसके लिए हम स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं। ओके, सो अब इसमें आई वुड लाइक थोड़ा इंटरेक्शन हम लोग करेंगे, सिर्फ मुझ तक ही सीमित नहीं रहेगा, हम दोनों हम सब इन्वॉल्व होंगे। सो जब आप हम वूम की बात करते हैं, राइट, तो आपके हिसाब से वूम क्या है? वूम क्या है मतलब हम वूम बोल रहे हैं, वूम वर्ड डेफिनेशन ही नहीं मैं मांग रही, पर आपके हिसाब से वो क्या है? संदीप जी आप बताइए, क्योंकि आप आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट द मेल मेंबर्स से अबाउट इट, या क्या वो क्या उनके उनके हिसाब से वो क्या चीज है, या किस ऑर्गन को या किसको हम वूम कहते हैं? संदीप जी आप सुन रहे? संदीप जी है, कौन है? संदीप जी है ना? ओके, सुप्रिया यू व्हाई डोंट यू स्पीक, व्हाट यू फील, व्हाट इज अ, आई नो यू आर नॉट मैरिड, यू आर स्टिल सिंगल सिंगल रेडी टू मिंगल, बट फिर भी हम सब की True, उपज तो भूम से ही हुई है। true. So I believe womb is a place where a beautiful formation can happen. You know, something can be created. And a womb is a place that stores, that protects, and that secures and that provides. ओके, वेरी गुड। सो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपने वूम की बताई। इट्स अ सिक्योर प्लेस, मतलब एक सेफ जगह, राइट, इट प्रोटेक्ट्स, मतलब उसमें ये ताकत है कि वह रक्षा कर सके, वह जीव को, क्योंकि उसमें जीव है, उसमें लाइफ है, और इसका मतलब लाइफ सिर्फ उसी समय नहीं है जबकि उसके अंदर किसी जीव का निर्माण हो रहा है, पर वह हमेशा लाइफ है ना, राइट, तभी हमारे सब ऑर्गन्स जो हैं वो कोई ना कोई फंक्शन करते, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, राइट। हृदय जो है, हृदय हृदय का फंक्शन क्या है हेमंत जी? हृदय से आप क्या करते हैं? आपकी आपकी आवाज बंद है। नहीं, आई शायद अभी भी आपकी आवाज आपने म्यूटेड है। ठीक है, जो हमारे हृदय की धड़कन है वो दिल धड़कता है, और दिल धड़कना बंद कर दे तो इंसान जीवित नहीं रहेगा। हम श्वास लेते हैं, बहुत से हर ऑर्गन कुछ ना कुछ कार्य करता है, कुछ ना कुछ क्रिया करता है, और हमारी मशीनरी को फंक्शन करने में मदद करता है। ऑफकोर्स वूम का स्थान जो है आप सब जानते हैं, तभी शायद वूम गर्भाशय, की गर्भाशय, गर्भ, ग्रेट, यस, हाँ, तो वहां पे गर्भ है जो जहां पर जीवन का निर्माण होता है। वूम यानी गर्भाशय बोल सकते हैं। हाँ, करेक्ट 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 राइट। लेकिन वूम सिर्फ वो नहीं है जहां पे हम बच्चे की एक थैली या बच्चा को होल्ड करता है या प्रोटेक्ट करता है। वूम की पोजीशन ऐसी है जो कि हमारे सेक्रल चक्रा के इधर आती है, और अगर हम देखें तो हमारे सेक्रल चक्रा का जो मेन फंक्शन या उसका वो है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी और पैशन। सो क्रिएटिविटी या बर्थिंग सिर्फ बच्चे के समय नहीं होती है, बल्कि कोई भी प्रकार के विचार
थॉट प्रोसेस, कोई भी आइडियाज, कोई भी चीज का निर्माण वो यहाँ से होता है, उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, राइट? सो हमारी वो पावर है, क्योंकि ये एक तरह से आपको शक्ति प्रदान करती है, तभी तो उसमें ये ताकत है टू प्रोटेक्ट, और वो ही हमारी जो हम कहते हैं या जो बोलते हैं, राइट? भले ही हम बोलते या हमारा जो आवाज है वो हमारे थ्रोट चक्रा के इधर से आती है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, उसको बोलने की जो ताकत है, वो हमारे वूम में है। तो हमारा वूम है जो हमारी सारी ड्रीम्स, क्रिएटिविटी, एक तो वूम का जो सराउंडिंग है और वूम के एरिया जो है, उस उधर उसका एलिमेंट है वाटर। तो पानी जब वो उसका एलिमेंट होता है, तो ऑब्वियसली उससे उसके सारी इमोशनल जो क्वालिटीज हैं वो भी हमको उसके द्वारा मिलती है, राइट? तो जो क्रिएटिविटी है या ड्रीम्स हैं, ये सब क्या है? ये एक तरह से आपकी सोच है, विचार है, आपके थॉट प्रोसेस हैं। ये आप किस तरह से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं ना, इमेजिन करते हो, राइट? सो वो वाटर, मून एंड ब्लड, अगर ये सब चीजें देखें तो ये सब कनेक्टेड है। किस तरह से? क्योंकि वूम के अंदर पानी है, पानी उसका एलिमेंट है। हमारी पूरी बॉडी में अगर देखा जाए तो मेजोरिटी, मैक्सिमम हमारा शरीर पानी का है, पानी है, उसके पानी तत्व है। ब्लड भी एक पानी का ही फॉर्म है। और अगर आप मून देखो, तो मून जो है वो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स फीमेल साइड को तो दर्शाता ही है, हम उसको मून का जो इन्फ्लुएंस है पानी के ऊपर आप देख सकते हैं, तभी हम मून के हिसाब से जो वेव्स हैं, वाटर की, ओशन की वेव्स हैं, वो उनके ऊपर उसका प्रभाव होता है, राइट? तो मून का हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रभाव होता है। मून जो है वो बढ़ता है, एक स्टैटिक नहीं रहता है, एक एक इसमें नहीं रहता है, उसकी शेप्स चेंज होती हैं, वैक्सिंग और वेनिंग उसकी पद्धति है। उसी हिसाब से पानी के भी स्टेट्स चेंज होते हैं। आप पानी को चाहो तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में रख सकते हो, आप उसको जमा दो तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, राइट? अगर वेपर उसको हवा के उससे उसको आग पे रखो तो वो इवन वेफर्स आई मीन के फॉर्म में भी चला जाता है, राइट? सो वाटर ऑल्सो चेंजेस, मून ऑल्सो चेंजेस, फ्लूइड्स जो हमारी बॉडी में है उनका भी बदलाव होता रहता है, राइट? सो एवरीथिंग इज इन दिस वे इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द मून। सो इसीलिए मून हीलिंग का कहीं ना कहीं हम कि हमारी जो मून से हम वो चीजें भी सीखते हैं, जहाँ पे शीतलता है, हमें इमेजिनेशन है, मेडिटेटिव पावर्स हैं, मैनिफेस्ट करने की है, हम करते हैं मून मेडिटेशंस एंड ऑल, राइट? सो वो जो गर्भशाला जो है हमारा, वो एक रिप्रोडक्टरी ऑर्गन तो है ही, पर उसके और हमारा सेंटर ऑफ फेमिनाइन एनर्जी है, हमारा थॉट क्रिएटिव है। तो ये एक सिर्फ फिजिकल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि हम जब जो भी चीजें देखो, जब हम कह रहे हैं ना, जैसे आपने कहा, सुप्रिया ने बताया कि वूम है जहाँ पे हम हर चीज, प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक सेफ चीज है, एक सिक्योर चीज है। तो हम अपनी चीजों को कहाँ संभाल के रखते हैं? अगर हमको कोई घर में कोई चीजों को अपनी रखनी हो, तो हम उसको एक सिक्योर लॉकर में रख देते हैं, जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई खोल नहीं सकता, राइट? उसी तरह से वो हमारे अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ के हम अपने सारे विचार, हमारे को जो भी एंजाइटीज, थॉट्स, जो भी प्रेशर पॉइंट्स या जो भी ऐसी सबकॉन्शियस माइंड की चीजें हैं, वो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने रूम के अंदर उसको एनर्जेटिकली दबा के रखते हैं, राइट? तो जब हम उसको यहाँ पर स्टोर करते हैं, क्योंकि एज वी प्रोग्रेस, तो हम हमारे जीवन में बहुत से इवेंट्स होते हैं, हम बचपन से लेकर बड़े होते हैं, टीनेजर है, वहां पर हम एक्सपीरियंस करते हैं चेंज इन आर बॉडी, चेंज इन आर हॉर्मोन्स, चेंज, वी स्टार्ट विद अ न्यू साइकिल, राइट? वो हमको उसमें पेनफुल साइकिल्स होती हैं, जो जिसका पेन का इफेक्ट हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत बार रिजेक्ट भी करते हैं अपने वूम को, हमको बहुत गुस्सा भी आता है अपने आप से, हमको लगता है हम फेमिनाइन है, हम
फीमेल है क्यों हमको ये सब दुख सहना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम वो उम्र में पहुंचते हैं जहां पर के हम आगे का जीवन जीव को ला सके जीवन में, तो हम अगेन दिस यूट्रस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। वो एक्सपैंड होता है उसके हिसाब से कि वो चीज को होल्ड कर सके। और फिर अगेन वी एक्सपीरियंस लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ टर्मोइल, लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ प्रेशर्स। सो ये ऑफ कोर्स जस्ट हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक्सपीरियंस ऑफ हमारी माँ ने जो किया, उनकी माँ ने जो किया, या उन सब कितनी सारे लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया। आपको मालूम है हम वूम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं थ्रू आर लीनेज, राइट? सो कहीं ना कहीं थ्रू दैट कॉर्ड, थ्रू द अम्बेलिकल कॉर्ड, वी आर रिसीविंग ऑल द इंफॉर्मेशन जो एक्सपीरियंस हमारी मदर ने की, राइट? सो एक तरह से ये एक जंक ड्रॉर है जहां पे आप सारी चीजों को स्टोर कर रहे हो, सारी चीजों को रख रहे हो। ओके, नाउ इसमें जैसे कि हमने ने बात की कि बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो स्टोरीज हैं बहुत सारी बूम की जो उसके अंदर स्टोर है। पर हमें, हमारे पास टाइम कहाँ है कि हम कभी अपनी बूम स्टोरीज को सुने या उन पर ध्यान दें या उससे बात करें, राइट? बहुत बार हम अपने हृदय के ऊपर तो हाथ रख लेते, हम बोलते हैं कि हाँ हृदय को देख लूं, हृदय की साउंड को सुन लूं, या हम अपने ब्रेथ को ध्यान देते हैं। लेकिन कितने लोग हैं हम में से कि हम मूव पे ध्यान देते हैं? ऑफकोर्स एक्सेप्ट फॉर मेडिटेशन हम कभी कभी करते हैं तो हम बेली ब्रीदिंग या हम उस तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये भूल जाते हैं कि ये एक अंग है जिसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए और बहुत कुछ सहा है हमारे लिए, जिसका हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है ना, राइट? सो अगर हम उसकी बातों को सुनेंगे और जहां पर हमारे जो भी अंग, हमारे जो भी चीजें अटकी हैं, और उसको रिलीज करेंगे, उसको हम समझ के उसको बाहर निकाल पाएंगे, तो हम अपने आप में कंप्लीट पाएंगे, अपने आप को सक्षम पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे। सो इसके लिए वोम हीलिंग करना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो वोम हीलिंग में हम लोग क्या करेंगे, आप वोम से कनेक्ट करते हो, आप वोम को क्लियर करते हो उसकी मेमोरीज को, और उसको एक्टिवेट करते हो जिससे कि वह फिर से एक नई उजागरता उसके अंदर आए, एक नई तरह की जागृति हो, और फिर उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते। ओके, सो यहाँ पर जब हमारे वूम के अंदर, क्योंकि कोई भी ऑर्गन जो है जब वो बहुत समय तक कार्य में नहीं होता है, या वो उसका उसकी तरफ हमारी ध्यान कम हो जाता है, हमारा उसकी तरफ देखना बंद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं देखो आप हेल्थ चेकअप के लिए जाते हो, राइट? आप अपने हार्ट का चेकअप कराते हो, आप अपने लंग्स का चेकअप कराते हो, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो चेकअप करती हैं, आपका होमोग्लोबिन है, ब्लड का है, वो हम हार्डली चेकअप कराते हैं, राइट? दैट बट देर इज अ स्टोर्ड एनर्जी इन इट जो कि लो फ्रीक्वेंसी में चली जाती है क्योंकि उसका ध्यान नहीं दिया जाता। सो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, सो दैट न्यू टिश्यू विल डेवलप, न्यू सेल्स, देयर विल बी अ न्यू काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन। और जब आप वूम हीलिंग करोगे आप देखोगे कि आप अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल कर, आपका दिमाग ज्यादा तेज हो जाएगा, इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, आप हर चीज में खुशी पाओगे, सुख पाओगे, एंड यू विल फील मच बेटर वेन यू, बिकॉज इट्स लाइक केयरिंग फॉर वन सेल्फ, केयरिंग फॉर वन ओन लाइफ। ओके, सो ये एक प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं है कि ये फटाक से हो जाएगा, आज मैंने सोचा और आज मेरा वो ठीक हो जाएगा। वी विल हैव टू लिसन टू इट। हमको अभी आप देखो तविशा को, याद तविशा को मालूम है कि जब हमने शमानिज्म में किया तो हमने उसमें वो इंट्यूशन अपने के लिए किया था ना, जिसमें हम बॉडी को बिल्कुल, यूज करते हैं, राइट? बहुत मतलब मैम, वो मैम ट्यूशन की जो हमारी टेक्निक थी वो मैं आज भी कर रही हूँ। हाँ, ओके। सो उसमें आप यूज कर रहे हो एज अ पेंडुलम योर बॉडी, आप अपने भूम को भी यूज कर सकते। अब ये तो नई चीज है मैम, ये तो आप सिखाओगे? हाँ ऑफकोर्स सिखाऊंगी, लेकिन उसमें आप मतलब अगर आप एवरी डे
5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट एवरी डे आप अपने वूम के साथ बैठ। ओके, क्योंकि हमने कहा ये इंट्यूशन सेंटर है हमारा, क्रिएटिव सेंटर है, पैशन सेंटर है, इसके पास नॉलेज है, राइट? ऐसे तो हमारे सब ऑर्गन्स के पास नॉलेज है, सब सेल्स के पास इंफॉर्मेशन, लेकिन ये एक बड़ा ऑर्गन है जिसको हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बार एक कुछ रहा रह चुका है, कुछ बदल चुका है, कुछ आ चुका है, राइट? अगर आप अपने वूम को एवरी डे 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स, आप अपने हाथ को इस फॉर्म में रख के यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड योनि मुद्रा मैडम। हाँ करेक्ट राइट, वैसे रख के अगर आप अपने वूम के अंदर कनेक्ट कर लें, एंड कोई भी स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चंस, आप सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, यू आस्क अ क्वेश्चन टू योर वूम, जैसे कि यस और नो का क्वेश्चन, जस्ट नो एनी क्वेश्चन जिसमें कि आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है या कुछ ऐसा लेना है, उसके लिए नहीं, जस्ट सिंपल कि आज मैं ये कपड़े की साड़ी पहनूं, आज मैं ये कलर का साड़ी पहनूं, आज मैं यहाँ बाहर जाऊं, आज मैं इस समय पे ये खाना खाऊं, ऐसे करके सिंपल क्वेश्चंस, जस्ट बिकॉज यू आर आप एक डेवलप कर रहे हो उसके साथ कम्युनिकेशन, राइट? और अगर आप, जैसे कि हमने यस और नो उसमें किया था अपना पेंडुलम क्राउजिंग में, आप उसको, कई लोग होते हैं वो विजुअली हो सकता है वो बोलें कि मुझे आंसर नहीं मिलता है, यस और नो नहीं मिल रहा है, तो आप उसे एक ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ट्रैफिक में लाइट होती है रेड येलो ग्रीन, आपकी आपको मालूम है ग्रीन इज फॉर गोइंग, रेड इज फॉर स्टॉपिंग, येलो इज फॉर वॉच एंड दिस थिंग, तो आप चाहे तो रेड और ग्रीन ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप बोलिए कि इफ द आंसर इज यस देन ग्रीन डिनोट्स यस एंड रेड डिनोट्स नो, राइट? तो इस तरह से आप, आपको कौन सा कलर आता है, ओके, एंड देन यू जस्ट सी फॉलो दैट, ओके। तो आप ऐसे करके कुछ हफ्तों तक अगर आप यही एक्सरसाइज करोगे, छोटी छोटी चीजों पे, तो आपका धीरे धीरे आपके स्टमक इस वूम के साथ कनेक्शन हो जाएगा, और फिर आप उससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो उसके बाद आगे जाके, ओके। तो ये है जस्ट स्टार्टिंग अ कम्युनिकेशन वेयर आप अपनी बॉडी को, बिकॉज बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी बॉडी हमको सिग्नल देती है, हमारी बॉडी हमको बताती है, हमारी बॉडी हमको कम्युनिकेट करती है, लेकिन हम वो क्या करते हैं, हम वो सिर्फ कुछ समय के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन वाई वी आर नॉट गिविंग आर बॉडी दैट परमिशन कि वो हमको इंटेलिजेंटली हर चीज में समझा सके, दिखा सके क्या सही है क्या गलत, क्योंकि उसके पास तो पूरी नॉलेज है। मैम, हाथ की मुद्रा दोबारा बताओगे कैसे कहाँ कैसे करनी है? ये आप अगर अरे यार, वूम हीलिंग का ये देखोगे ना, तो अपना फिर पोस्टर है, अभी पोस्टर के ऊपर जो लेडी बनी है उसमें, ये जो आपका नेवल है, नेवल एरिया के इधर आपका ये हाथ आएगा और ये नीचे जाएगा, ओके, ठीक है? तो ये हमको डेवलप करना जरूरी है, टू डेवलप आर कम्युनिकेशन विद आर ओन बॉडी एंड अंडरस्टैंडिंग द बॉडी, ओके। सो हमको, हम क्या करते हैं, हमको शुरू से बचपन से क्या बताया गया है, हमारा दिमाग है जो हमको सब सही या गलत बताता। फिर कई लोग ये भी बोलने लगे हैं कि हाँ हृदय है, हृदय जो है, अगेन हृदय के पास इंटेलिजेंस उससे भी ज्यादा है, और वो आपको माइंड से ज्यादा आपका हृदय आपको बता सकता है कि क्या सही है या गलत है, तो अपने हृदय की सुनो। तो अब से हम क्या करेंगे, अपनी वूम की सुनेंगे, थर्ड स्टेप है, वी विल लिसन टू आवर वूम इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू आवर हेड एंड आवर हार्ट, वी लिसन टू आवर वूम, ओके। सो अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज, बिल्ड दिस कम्युनिकेशन सो दैट इससे हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली ग्रो हो सकते, ओके। सो ये हर 5 मिनट आपको इस तरह से करने का, और आप उस समय जब अपने हाथों को ऐसे रखते हो, ऑफ कोर्स आप वोम से कनेक्ट कर रहे हो, तो वोम जो ऑर्गन अंदर है आपके शरीर के अंदर, वो एक डार्क जगह है ना, क्योंकि वो बहुत समय से ऐसे बंद है, और वो उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एज सच कोई वो नहीं है, तो इट इज डार्क, इट इज, पर वो कोजी है, एट द सेम टाइम वो ऐसी जगह है जहां आप छुप सकते हो,
जहां आप जाके थोड़ी देर आराम से विश्राम कर सकते हो, जहां आप थोड़ी देर जाके आराम से बिना किसी को बताए रह सकते हो और किसी को पता भी नहीं चले। सो मैम इस माँ वैष्णो देवी भी तो वहीं रही थी 9 महीने गर्भगृह में, राइट एज गुफा प्रोटेक्टेड, जो, हाँ करेक्ट, उनके लिए वूम भी हुई ना मैम। हाँ उसको गर्भ मैडम भूमि बोलते हैं। हाँ हाँ मैडम, मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके लिए जो गर्भगृह कहता है वो भी ओम से रिलेटेड है क्या? मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा होती हाँ, है, तो हाँ गर्भगृह जिसको हाँ बोलते हैं हाँ हाँ वो करेक्ट भी करेक्ट, ओम से रिलेटेड हाँ है हाँ क्या? हाँ बोल सकते हैं करेक्ट। पर लेकिन प्राण मैडम वहां प्रतिष्ठा की में अच्छा आप बोलिए। वहां पे आपने जो हाथों की मुद्रा बोली वो वहां पे अलग मुद्रा आती होंगी ना मैडम? देखिए जो प्राण प्रतिष्ठा आप बात कर रहे हैं वो तो कोई भी मंदिर में, चाहे वह बाहर का मंदिर, बाहर मंदिर हो या आपके घर में, वो आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मतलब आप वो मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं उस मूर्ति को। राइट हाँ सो उसका आप इसका और ओम का उस तरह से कोई कनेक्शन नहीं है। आप क्या कर रहे हो, एक ओके मूर्ति जो है पत्थर की बनी हुई, उसके अंदर आप उसको जब स्थापना करते हो राइट, तो उसको आप प्राण मतलब देख रहे हो, मतलब वो जी वो एक लाइफ हो जाती है राइट, उसमें प्राण आ जाते हैं जिससे कि वह आपको क्या हाँ बोलते हैं, पत्थर तो अदरवाइज रोड पे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, बहुत सारे आइडल्स भी पड़े रहते मैडम, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ऐसा है जो ऐसा बोलते, हैं। हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए आप। गर्भगृह बोलते हैं मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह में ये मूर्ति की स्थापना हुई, ये गर्भगृह है, तो वो गर्भगृह और ये वो सम रिलेटेड है क्या मैडम कुछ? नहीं मेरे को मंदिर का पता नहीं है। ठीक है मैडम, ओके। सॉरी ठीक है। अच्छा उसके बाद ये ओनली जो मुद्रा है, वो प्रोसेस है, इस दोनों को आपका शामिल कर रहे हैं। ये ओनली मुद्रा होती है, प्रोसेस संस्कार होता है। देखिए जो यहाँ पे जो हम मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो मुद्रा बेसिकली हमारे को स्पेस के लिए, कि उसका जो स्पेस है ना, जो नेवल एरिया से लेकर आपका नीचे तक, दैट इज अ स्पेस, हम उस एरिया को डिफाइन करने के लिए, उस जगह को वो करने के लिए, उस हिसाब से कर लो, नॉट फ्रॉम अ फंक्शन ऑफ अ मुद्रा थेरेपी। आप समझे? ओके सो ये एक गुफा की समान है, जैसे आप लोगों ने बोला ना कि केव होता है, तो केव के अंदर क्या होता है, अगर आपको मालूम है पुराने बहुत सारे केव्स हैं, गुफाएं हैं, आप वहां पे जाओ, वहां पर आप कुछ भी बोलो, आवाजें गूंजती हैं, और बहुत लोग बोलते हैं कि वहां पर बहुत सी जो इंफॉर्मेशन है, जो पहले लोग वहां पर आए थे, वह उनकी सब बातें, उनकी सब कहानियां वहां पर स्टोर्ड है राइट। तो उसी तरह से हमारा ये जो गर्भ है वो एक गुफा के समान है, जिसमें कि हम अपने सारे जेनरेशंस के थ्रू कनेक्टेड हैं। सो स्टोरी जो हमारी ही नहीं पर उनकी स्टोरीज की भी सब कुछ कहानियां वहां पर है, सब कहानियों का विवरण वहां पर है, सब नॉलेज सब मेमोरी वहां पर है। ओके एंड हम इसको थ्रू दैट वी आर आल्सो कनेक्टेड टू द मदर। ओके ओके ये हमने किया कि हमको सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं। सो जब भी हम अपने मूम से सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, हमको कोशिश करनी है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर, हमें उस समय ये चीज का ध्यान रख। तो अभी हमने मूम के बारे में पढ़ा, अब ये EFT जो है, आप लोगों ने EFT सुना हुआ है, इमोशनल फ्रीडम यस टेक्निक है राइट। सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, अगर ये देखें तो ये सब टैपिंग पॉइंट्स, ये तो बेसिक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में है। तो हमारे जो शरीर में है, स्पेशली हमारा अपर पार्ट ही हम देखते हैं इसके अंदर, हम अपने पैर और हाथों के ऊपर इसमें टैपिंग नहीं करते, एक्सेप्ट कराटे पॉइंट जो है, जो कि हमारे हाथ का रिस्ट के इधर होता है राइट। अब इसको इसको ये टैप करने से हमको क्या फायदा होता है, क्यों करते, किसी को आइडिया है? नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, पॉजिटिव लाने के लिए।
और आपको पर क्लीन करने के लिए। और आपको क्लिक करने के लिए तो, पर हम यहाँ पे टैप करते हैं तो उससे हमारे क्या होगा, उसका कनेक्शन नेगेटिविटी से कैसे आए? नेगेटिविटी उससे, प्रॉबली हाँ जी प्रॉबली प्रॉबली लाइक जो ब्लॉकेजेस हमारे अंदर आ गए हैं, वो वहां टैप करने से वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ब्लॉकेजेस एक्चुअली हो जाते हैं, जो मेंटल ओके, और ये जो वूम रिलेटेड ब्लॉकेजेस। सो व्हेन वी टैप देयर, इट ओपन्स दैट ब्लॉकेजेस फ्रॉम देयर एंड हेल्प्स रिलीज ऑफ एनर्जीज एंड फ्लोइंग ऑफ एनर्जीज। ठीक है. देखो, सो बेसिकली जो अगर आपने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर ये सब सुना है, सबको मालूम होगा ना, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर ये सब तो सुना यस होगा यस ना, यस मैम, राइट? यस है मैम। ना? तो उसमें हम, आपने अगर चाइनीज, वो टीसीएम के हिसाब से एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर जो है वो टीसीएम चाइनीज मेडिसिन का भाग है, राइट? सो अगर उसमें देखा जाए तो हमारी बॉडी में, जैसे कि हम चक्रास की बात करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर मेरिडियन लाइन्स, राइट? मेरिडियन लाइन्स जो है बेसिकली आपकी 14 मेरिडियन लाइन्स है. तो मेरिडियन लाइन्स हर एक ऑर्गन से के नाम के हिसाब से भी होती है, जैसे कि हार्ट मेरिडियन है, लंग मेरिडियन है, किडनी मेरिडियन है, स्टमक मेरिडियन है, ऐसे करके अलग अलग मेरिडियंस. ओके, इसमें ऑफकोर्स आप ये पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ, बताने के लिए बता रही हूँ, राइट? सो वो हमारी बॉडी में, जैसे कि चक्रास, हमारी बॉडी में 7 मेन चक्रास हैं, जो कि हमारे फ्रंट, हम फ्रंट और बैक में चक्रास देखते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट के इधर चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, राइट? सेक्रल है, रूट चक्रास है. उसी तरह से हमारे लीनियर वेव, हमारे हाथों के और पैरों के थ्रू देर आर एनर्जी लाइन्स. ओके, लाइन्स फ्लो होती है जिसमें कि अब उसके अंदर पॉइंट्स, राइट? वो पॉइंट्स पे हम अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेस करते हैं, तो उस हिसाब से वो पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, अगर कोई इशू कोई है या कोई फिजिकल एलिमेंट है या प्रॉब्लम है, तो वहां पे एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाती है. तो उसकी वजह से अगर हम जब उस पॉइंट पर प्रेस करते हैं तो हम उसको एनर्जी को रिलीज कर. ओके, तो यही चीज यहाँ पर टैपिंग पॉइंट्स में इस्तेमाल की जाती है. टैपिंग पॉइंट्स में अगर आप ये देखो, ये सब जो आपके सीक्वेंस है, राइट? अगर ये कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स है, राइट? ये हर एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट मेरिडियन के ऊपर पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं. तो जब भी आप ये पॉइंट्स पे प्रेस करते हो, ऑफ कोर्स हम इसमें सेटअप स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि अगर सपोज आज आप में से बहुत लोग हैं जिनको कोई स्ट्रेस होता होगा, जिनको कोई हो सकता है हेडेक हुआ होता है, आई पेन होता है, कुछ भी ऐसा है, राइट? सो हम यही सारे पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे. पॉइंट्स इसमें चेंज नहीं होंगे कि आपको अगर हेडेक है तो आपका अलग पॉइंट हो गया, आपका आई पेन है तो अलग पॉइंट हो गया. पॉइंट का सीक्वेंस, पॉइंट के नंबर वो सेम रहते हैं, सिर्फ उनके सेटअप, जो उनका जो फ्रेज है वो बदल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम जो आपको है. ओके, सो अब अगर अगर आप ये देखो, ये जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, तो ये मेरिडियंस को रिलेट करते हैं. हर एक पॉइंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेरिडियन को रिलेट करते हैं. द साइड ऑफ द हेड, हैंड जो है, जब हम कराटे पॉइंट पे कर रहे हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का जगह, मतलब ये सिर्फ यही जगह पे नहीं है, इसके थ्रू डिफरेंट लाइन जा रही है मेरिडियन लेफ्ट, जिसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पड़ते हैं. ओके, टॉप ऑफ द हेड है, फिर उस तरह से हमारा ब्लॉडर, ब्लैडर, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स जो हैं दे रिलेट टू डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियंस पॉइंट्स. ओके, चलो अभी आई थिंक वी बेटर डू सम विजिटिंग. हम लोग, हाँ, तो आपको पहले, सबसे पहले आपका इश्यू जो है, जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, और वो इश्यू जो है उसका कितना इंटेंसिटी है उसको मार्क करना है. मतलब 0 to 10 में के बीच में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम कितनी तीव्र है,
जैसे कि अगर आपको हेडेक है, अगर मैं आपसे पूछूं, संगीता जी कौन कौन है, लेट मी आस्क नाउ, हाँ सपोज आपको कोई पेन है, अगर मैं आपको पूछूं कि आपको पेन कितना इंटेंसिटी पे है, तो क्या आप मेरे को बता पाओ? जैसे कि सपोज कोई भी पेन है, क्या आप 0 to 10 के स्केल पे, अभी भी पेन हो सकता है अभी आपको पेन नहीं हो, लेकिन क्या आपके लिए पॉसिबल है ऐसा बताना, आप बोल सकते हो? जैसे कि अगर मैं 10 बोलूं सबसे ज्यादा, कोई भी चीज सबसे ज्यादा, राइट, तो आपके लिए एक ही स्केल हो गया, राइट, तो आपका कोई भी पेन है, कोई भी स्ट्रेस है या कोई भी इश्यू है, उसको आप ये स्केल के उस पे आप उसको मार्क कर सकते हो, कर सकते कि नहीं कर सकते, बताओ? अगर मैं रश्मि जी आपसे पूछूं कि सपोज आपको आज कितना स्ट्रेस हो रहा है, हाँ, या मैं आपको पूछूं कि आपको हाँ कितनी बोरियत हो रही है आज, चलिए, तो 0 to 10 के अंदर आपको कितनी बोरियत हो रही है आप मुझे बताइए, तो क्या आपके लिए ये आसान होगा बताना कि 0 to 10 के बीच में कितना हो है वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट? लगभग मैं भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, राइट, है ना? और जब आप ये टैपिंग एक्सरसाइज करोगे, और जब ये टैपिंग एक्सरसाइज खत्म होती है, मतलब इसका जो एक सीक्वेंस है जो हम करेंगे, तो आप उसको खत्म होने तक एंड पे पहुंच कर आपको पता चल जाएगा कि वो चीज आपकी 0 to 10 से कितनी नीचे गई। कर सकते हैं ना कि नहीं, यस राइट? यस यस मैम। सो बेसिकली हम कोई भी इशू को लेते हैं तो हम लोग उसको पहले, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करते हैं उस इशू को, राइट, फिर हम उसको एक मापदंड में डालते हैं, है ना? तभी आपको पता चलेगा ना कि आपको ये सीक्वेंस करने से फायदा हुआ कि नहीं फायदा। आप उसको मापदंड में डालते हो 0 to 10 के बीच में, राइट, यस फिर हम वो फ्रेज बोलते हैं जो उस इशू को एक्नॉलेज करते हैं। सपोज मुझे स्ट्रेस है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, जो भी, चाहे वह नेगेटिव ही है, उसको नेगेटिव वे में ही स्टेट करते हैं जो भी इशू, पर उसको बोलते हुए मैं ये भी बोलती हूँ कि भले ही वो इशू है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को जैसी भी हूँ वैसे एक्सेप्ट कर, राइट, चाहे मैं, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, दैट इज हाउ इट इज, राइट, राइट, फिर हम ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, और जब हम ये सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, उसके बाद हम ये इस तरह से इंटेंसिटी को फिर से देखते हैं, और फिर जब वो इंटेंसिटी को देखते हैं कि वो धीरे धीरे कम हो गई है, और जब वह 0 पे आ जाती है, तब हम वो चीज को बंद करते थे, तो उतने टाइम तक हमको वो सीक्वेंस को फॉलो करना, राइट, तो हर एक सीक्वेंस कुछ दिनों तक, सपोज एक ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो कि बहुत इश्यू आज का ही नहीं है, वह हमारे साथ बहुत समय से है, तो हम उसको 7 दिन के लिए, हम 3 बार, दिन में 3 बार वो सीक्वेंस को करते हैं, और फिर 7वें दिन तक करने के बाद हम देखते हैं कि वह जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई, वह बची भी नहीं। तो इतना आसान तरीका है किसी भी इशू को डील करने, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि हर तरह के इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इमोशनल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज जो हैं, वह EFT के द्वारा डील किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जिसमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है तो हमको मेडिकल उससे जाना ही पड़ेगा, राइट, लेकिन अगर आपको अभी माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप EFT का यह सीक्वेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे उसका फायदा आपको इमीडिएटली भी मिल सकता है, इंस्टेंट भी मिल सकता है, ओके, सो इतना, ये ऐसी चीज है जो कि अपनाई जा चुकी है बहुत जगह पे, प्रैक्टिस की जा चुकी है, और उसके बाद ही यह बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज है जिसको किसी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और फिर ऐसे ही बिना उस पे बोल रहे, ओके, सो नाउ हम जो ये वूम हीलिंग में क्या चीजें कवर करने वाले हैं, मैं पहले ये बताती हूँ, एंड देन वी विल गो फॉर विजुअलाइजेशन एंड EFT का प्रोटोकॉल, ओके, सो यहाँ पर हम बेसिकली पहले जस्ट समझेंगे कि वूम हीलिंग किसके लिए है और उससे क्या इफेक्ट होता है, और फिर हम ये प्रोटोकॉल्स जो है
प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि आप एक बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्ट टाइप का बनाते हो, जो सीक्वेंस है ना उसके हर एक स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, राइट। तो जैसे कि ये इश्यूज हम फेस करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द वूम, एक है जो ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, मतलब जो ट्रॉमा आपको आपके पूर्वजों के द्वारा हुआ, राइट, इवन एपिजेनेटिक जेनेटिकली जो आपने इनहेरिट किया है। सो ये दोनों चीजें आपकी पास्ट लीनेज से जो आपको आ रही है वो, ओके, दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग हो, इट इज नॉट द सेम प्रोटोकॉल। मैं आपको अभी प्रोटोकॉल हम करेंगे तभी आप समझेंगे, ओके। फिर बहुत सारे हम में से लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया मिसकैरेज, हो सकता है मैंने एक्सपीरियंस किया हो, नहीं किया हो, पर मेरी माँ ने किया हो, उनकी माँ ने किया हो, तो भी वो जो थॉट प्रोसेस है जो उस समय पेन हुआ होगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुखद एक्सपीरियंस है, राइट। जब व्हेन योर बॉडी गोज थ्रू अ मिसकैरेज, सो ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ अ गिल्ट, शेम, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंजाइटी विच यू हैव स्टोर्ड। तो ये स्टोर्ड सिर्फ आप ही नहीं कैरी कर रहे हो, आपके आने वाली जनरेशंस भी कैरी करती हैं, और आपके पीछे वाली जनरेशन से भी हो सकता है आप उनके थ्रू आपको आया है, राइट। इसीलिए आप बहुत बार एक्सपीरियंस करते हो कि जो सेम फैमिली होती है, स्पेशली जो जैसे आपकी माँ ने जो चीजें जिन जो उनके टाइम, अगर उनका मेनोपॉज का एज ये थी, तो यूजुअली आपके भी अराउंड वही एज होगी जब आप भी वो एक्सपीरियंस करें। अगर उनको डिफिकल्ट डिलीवरीज हुई, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हुई, तो ज्यादातर आप में भी वो क्वालिटीज या वो उस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में भी आती है, राइट। सो मिसकैरेज है। उसके अलावा जब हम बर्थ देते हैं, कई बार ऑफ कोर्स वी आर टोल्ड बाय डॉक्टर कि आपको ट्विन्स हो रहे हैं, लेकिन कई बार देर इज ऑल्सो वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम, जिसमें कि एक फीटस मिस, दो फीटस होते हैं, लेकिन वो डेवलप होते हुए एक अपने आप बंद हो जाता है और दूसरा ग्रो होता है। तो ये भी आपको अनजाने में ऐसा हुआ हो सकता है, आपको बोला नहीं गया हो, आपको पता नहीं हो, लेकिन बाद में भी कभी कभी कई लोगों को पता चलता है कि उनके एक और था पर वह नहीं सरवाइव करा। सो देर इज, और उसके अलावा जब आपके दो ट्विन्स हैं, अगर उसमें से एक मर गया, तो जो बच्चा जीवित है वो भी एक तरह का ट्रॉमा कैरी फॉरवर्ड करता है, आपके मन में भी एक ट्रॉमा रहता है। सो दैट ऑल्सो वी हैव अ प्रोटोकॉल फॉर लॉस ऑफ ट्विन। उसके अलावा अगर आप अबॉर्ट करने का डिसीजन लेते हो, तो आप डिसीजन लेते हो तो एक प्रोटोकॉल है, आपके हस्बैंड ने भी लिया डिसीजन कि भाई आप अबॉर्ट, हम अबॉर्ट करते हैं बच्चे को, तो वो उनका वर्जन भी इसमें आए, ओके। फिर सर्वाइव्ड बर्थ, मतलब आप भले ही जीवित रह गए लेकिन आपको शायद मारने की कोशिश की गई। ऐसा भी कई बार बच्चे होते हैं जो देर वर इन पास्ट जहाँ पे नियरली अबॉर्टेड, मतलब दे वर ट्राइड टू बी किल्ड, या दे वर ट्राइड टू बी नॉट नेसेसरी के माँ बाप नहीं चाहते थे, लेकिन हो सकता है परिस्थितियां ऐसी हो, या हो सकता है कि कोई भी कारणवश। सो ये एनर्जीज जो है हमारे वूम में होती है, ओके, और वो कैरी फॉरवर्ड होती है, हमको पता हो या ना पता, आपके पास फैमिली हिस्ट्री हो या ना, फिर भी आप अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो ऐसा, तो ये हम एनर्जेटिकली देखेंगे। और अगर हमारे क्लाइंट ऐसे हमारे पास आते हैं जिन्होंने एनर्जेटिकली दे फील लॉस्ट, दे फील गिल्ट, दे फील शेम, तो फिर वी कैन चेक विद दीज सिम्टम्स एंड फिर हम उनका ही कर सकते। उसके अलावा अगर आप सपोज फैमिली कॉन्स्टलेशन करते हो, आप कोई और कॉन्स्टले कोई थेरेपीज करते हो जिसमें कि आपको ये एनर्जी आती है कि देर वॉज अ टाइम वेन दिस हैज हैपेंड, तो भी आप ये क्लाइंट को ये प्रोटोकॉल दे सकते हो, द क्लाइंट कैन यूज दिस प्रोटोकॉल एंड इट विल हेल्प फर्दर टू रिलीज दैट टेंशन, रिलीज दैट पैटर्न, ओके। मैंने खुद कई क्लाइंट्स के साथ इस्तेमाल किया है जहां पर उनकी एनर्जी उस टाइम पे मैट्रिक्स में नहीं दिखाई, समझ में नहीं आया, इट वॉज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, फिर आई फेल्ट कि देर मे बी सम इशू हियर, और फिर हमने उनको ये EFT का प्रोटोकॉल दिया, और फिर जब हमने कॉन्स्टलेशन उसके बाद किया तो वो चीज बाहर निकल कर आई।
इट वॉज एंड जब क्लाइंट करता है ना ये EFT या जो भी है, उस टाइम पे उसके प्रेशर पॉइंट्स, उसके तरीके, उसके उसका उस समय टेंशन होना या वो फील करना, उससे वो हमको फीडबैक देता है, तो उस हिसाब से हमको समझ में आता है कि कहाँ पे एनर्जी स्टक है एंड एक्चुअली इट इज वर्क्स लाइक दैट. सो हम सबके वुंड्स भी होते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता जब हम बचपन में थे, हम हो सकता है वो प्रेजेंट नहीं हो, फिजिकली प्रेजेंट हो पर हमारे साथ मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं दे हैव दिस फीलिंग कि देयर मदर वॉज नॉट अवेलेबल और देयर फादर वॉज नॉट अवेलेबल. तो ये एक वूड है जो बहुत ही पाया जाता है ज्यादातर हर इंसान, और उसकी वजह से उसके रेपकेशंस अलग अलग तरह के होते हैं. सो दैट ऑल्सो वी विल हैव द EFT प्रोटोकॉल फॉर दैट. ओके, फिर हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके माता पिता को या पार्टनर्स को कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई स्मोक करता है, कोई ड्रिंक करता है. पहले जमाने में बहुत सारे लोग टबैको खाते थे, सिगार पीते थे, बहुत सी ऐसी चीजें. सो इसका इफेक्ट भी चाइल्ड के ऊपर होता है. सो वो इफेक्ट्स को निकालने के लिए, उनको दूर करने के लिए भी वी कैन, बिकॉज कभी कभी एडिक्शंस गोज फॉरवर्ड इन द फैमिली, सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ पोजेशन विच इज नॉट अ गुड थिंग. तो वो चीज को हम करते हैं. फिर एक्सपोजर टू द स्ट्रेस, क्योंकि जब आप वूम में बच्चा है या आप हैं, दोनों मदर ऑल्सो एक्सपीरियंसेस सम स्ट्रेस, द चाइल्ड ऑल्सो एक्सपीरियंसेस. एंड जब मदर एक्सपीरियंस करती है वही प्रेशर वो बच्चे के ऊपर भी ट्रांसफर होता है, बच्चा कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब कर, राइट. सो प्री टर्म पहले हो जाना, बर्थ बाय सी सेक्शन, भले ही इट इज अ नॉर्मल वे ऑफ बर्थ, लेकिन उसमें भी एक ट्रॉमा होता है बिकॉज अ चाइल्ड हैज टू पुश इट सेल्फ आउट, राइट. सो इट गोज थ्रू दैट टनल जहां पे उसके इट कैन फील दैट कॉम्पैक्टनेस एंड और कई बार बर्थ भी ऐसे होते हैं जो ट्रोमैटिक बर्थ होते हैं, मतलब उसमें तेरे से ट्रॉमा एसोसिएटेड बर्थ, मे बी थोड़ा टेंशन के दौरान कुछ पाइप कुछ बैक बर्स्ट हो गया तो वाटर नहीं है एंड ड्राई है, तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं विच यू एक्सपीरियंस. तो ये EFT के प्रोटोकॉल्स बहुत, मतलब टेकिंग इनटू अकाउंट हर सिचुएशन उस हिसाब से डेवलप की गई. ओके, और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, आप कैसे दूसरों के लिए यूज कर सकते हो वो भी आपको सिखाया जाएगा. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. ओके, तो अभी हम लोग करें, अभी देखें, मैं फर्स्ट मैं आपको सिखा रही हूँ वूम विजुअलाइजेशन, जस्ट वन पार्ट जो हमने किया था जब हमने पहला वूम हीलिंग किया, एंड देन हम EFT के थ्रू करेंगे जो हमारा इस कोर्स में होगा, ठीक है. ओके, सो ये सिर्फ हम अपने वूम तक जा रहे हैं, जो फर्स्ट है जस्ट टू एंटर द वूम. ओके, राइट. सो आप लोग सब जो है शांतिपूर्वक बैठ जाइए, चाहे वह आप मेल मेंबर्स आप भी कर सकते हैं रूम पर. ओके, सो सिट क्वाइटली, प्लीज अपने मोबाइल्स को अलग रख दीजिए एंड दरवाजा बंद कर लीजिए अपने कमरे का, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे इस समय, और एकदम शांतिपूर्वक कोई भी स्थान पर, अगर आप जमीन पर बैठना चाहते हैं जमीन पर बैठ सकते हैं, आप सोफे पे बैठना चाहते हैं सोफे पे बैठ जाइए, जहां पर भी आपको कन्वीनियंट. एंड अपने जस्ट सेंटर योर सेल्फ, सो सारी एनर्जीज जो है अपने अंदर लेकर आइए, अपना दिमाग जो इधर उधर घूम रहा है, जो थॉट प्रोसेस जो आपको इधर उधर की चिंताओं में लगा रहे हैं, अब कुछ समय के लिए आप उसे शांत होने को कहिए, अपने दिमाग को अपने मन को शांत होने करिए और अपना सारा ध्यान अपने अंदर एकत्रित करिए. और अब आपको अपना ध्यान करना है अपने ब्रेथ पर, अपने श्वास पर. जस्ट टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़िए, अगेन श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए. आप अपने नाक से नासिका द्वारा श्वास ले सकते हैं, मुंह के द्वारा श्वास लें.
छोड़ सकते हैं। जब आप अपना ब्रेथ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए, किस तरह से आपका स्टमक एरिया जो है, जो बेली एरिया है, वो कैसे अंदर बाहर अंदर बाहर। सो स्लोली स्लोली, जस्ट जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अपने अंदर का सारा तनाव जो है शरीर के अंदर का, उसको बाहर छोड़ दीजिए। अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स, ढीला कर लीजिए। कोई चिंता नहीं है, वक्त कहीं नहीं जा रहा, हम सब यहाँ आराम से बैठे हैं। और अब जब आप पूरी तरह से शांत हो गए हैं, आपका मन तन शांत है, जस्ट विजुलाइज के आपके सर के ऊपर से जैसे एक वेव, पानी में कैसे वेव होती है ओशन के अंदर, वह आपके सर के ऊपर से जा रही। और धीरे धीरे जब वह आपके सर के ऊपर है, पानी कितना शीतल होता है, काम होता है, ठंडा होता है, और उसी के पानी धीरे धीरे ड्रिप हो रहा है आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर के अंदर। सो जस्ट फील जो ठंडक ठंडक पहुंच रही है आपके दिमाग को, जैसे जैसे पानी की वो जो लहर है, जो आपके शरीर के ऊपर, जो दिमाग के ऊपर से थी, वह उसका पानी आपके शरीर के अंदर घुस रहा है। और जैसे जैसे वह आपके दिमाग से पानी अंदर घुस रहा है, धीरे धीरे द वॉटर इज गोइंग टू ईच एंड एवरी सेल। आपके शरीर में अनगिनत सेल्स हैं, अनगिनत सेल्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके बॉडी के, हर जगह पर हर कोने में वह पानी की लहर पहुंच रही है, और हर जगह पर आपके शरीर में एक प्रकार की ठंडक शीतलता प्रदान कर रही है। अब ऊपर से नीचे तक पानी पानी आपके शरीर के अंदर है, शरीर में पानी, बाहर से पानी आया आपके शरीर में। एंड स्लोली स्लोली स्टार्ट मूविंग योर सेल्फ विथ दैट वॉटर, वो पानी की वेव के साथ आप शरीर में नीचे की तरफ चले, आपके हृदय लंग्स एरिया को क्रॉस करते हुए अब आप अपने स्टमक एरिया की तरफ आ गए हैं, और धीरे 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 आप पहुंच रहे हैं अपने वोम एरिया, जो कि आपके नेवल के नीचे है, लोअर एब्डोमेन एरिया में। आप जब वहां पर पहुंचे हैं, तो अब आपका ध्यान पूरी तरफ आप अंदर से देख रहे हैं, शरीर के बाहर से नहीं, शरीर के अंदर से आपका ध्यान है। तो आप अब अपनी नजर डालेंगे इस जगह पर, जिस जगह पर आप कभी भी आपने अभी तक नजर नहीं डाली, और जैसे ही आप अपनी नजर इस जगह पर डाल रहे हैं, यहां पर आपको एक दरवाजा सा दिखाई दे रहा है, और यह दरवाजा किस तरह का है, अब आपको इस पर ध्यान देना है। क्या यह कोई लकड़ी का है दरवाजा, कोई स्टील का दरवाजा है, पत्थर का दरवाजा है, किस तरह का दरवाजा है, मार्बल का, मखमल का, किस तरह का दरवाजा है, उस दरवाजे का रंग कैसा है, और उस दरवाजे पर क्या कोई कारीगरी हुई हुई है, किसी प्रकार की चित्रलेखा है। बहुत बारीकी से आप इस जगह को देख रहे हैं, इस दरवाजे को देख रहे हैं। इससे पहले आप इस जगह पर कभी नहीं आए थे, आज पहली बार आप इधर पहुंचे हैं, आपकी नजर पहुंची है। अब उस दरवाजे का नॉक की तरफ ध्यान दीजिए, क्या वह नॉब गोल आकार की है, छोटी है, बड़ी है, किस प्रकार की है? और जब आप उसको देख लेते हैं, तो आप अपना हाथ उस नॉब तक पहुंचाते हैं, और अब आप उस दरवाजे को खोल रहे हैं। सो जस्ट सी योर सेल्फ ओपनिंग दैट डोर, और वो दरवाजा अंदर को खुल जाता है, इट ओपन्स इनसाइड। अब जब आपने
चप्पल पहनी है, कुछ भी पहना है, आप अपने चप्पलों को बाहर उतारेंगे और आप अपने पैर को अंदर डालेंगे क्योंकि आपको इस जगह पर जाना है। भले ही वह जगह आप कभी पहले गए नहीं इस जगह पर, हो सकता है आपके मन में किसी प्रकार का भय या डर भी हो, क्योंकि यह ऐसी जगह है जहां आप पहली बार जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर जाएंगे। सो जस्ट सी योर सेल्फ पुशिंग दैट डोर एंड एंटरिंग दैट एरिया। अपने पैरों को राइट को फिर लेफ्ट को पैर को आगे रखे आप उस जगह पर घुस गए हैं। बहुत ही डार्क है, अंधेरा है उस जगह। हो सकता है आपके पैरों को ऐसा लगे कि जैसे कि जगह गीली है, यहाँ की मिट्टी जो है वह गीली है, एकदम ह्यूज जगह है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, कैसी है आपको भले ही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उस जगह पर किस प्रकार की सुगंध आ रही है, जिस तरह की भी स्मेल आ रही है, क्या आपने इस प्रकार की सुगंध, इस प्रकार की स्मेल पहले कभी सूंघी थी? पहले आपको कोई ऐसी मेमोरी आपके दिमाग में आ रही है जब आपने ये स्मेल से आप एसोसिएट कर सकते हैं अपने आप? जस्ट कीप ऑन एंटरिंग इनसाइड, धीरे धीरे और आगे बढ़िए, कदम और आगे बढ़े, और धीरे धीरे ऐसा होगा जबकि आप पूरी तरह से उस जगह से कंफर्टेबल हो जाए, और अब शायद आप उस जगह के बीच में खड़े, यू आर स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ दैट प्लेस। अब आप पूरी तरह से उसकी एनर्जी से कन्वर्सेंट है। आप चाहते हैं तो आप कुछ बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, आप कुछ हाँ ना कुछ कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके मन में अगर कुछ भी विचार आए तो आप बोल सकते हैं, आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी से बातचीत कर सकते। और जब थोड़ी देर आप आराम से उस जगह पर हैं, अब आपको कोई डर, कोई खौफ, कोई भय नहीं, यू आर टोटली कंफर्टेबल इन दिस प्लेस। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पहले भी आप आए थे, आप पहले भी यहाँ रह सक चुके हैं, रुक चुके हैं, लेकिन आज आप बहुत समय बाद पहली बार आपको ऐसा लगा कि आप अभी आए हैं इस समय। इतने सालों से आपने उस जगह को खेत को ध्यान नहीं दिया था या उस पर कभी अपनी नजर नहीं डाली, और अब आप उस जगह को, क्योंकि अब जाने का समय हुआ है, यू कैन टेल दैट स्पेस कि आप फिर से यहाँ आएंगे, आप फिर यहाँ पर अपने कदम डालेंगे, आप उसके साथ फिर बात करेंगे, पर अभी समय है जब आपको जाना है। सो जस्ट सी योर सेल्फ नाउ थैंकिंग दैट होम, बिकॉज वो उसने आपको एक नई जगह दी है जहां पर आप कभी भी आ सकते हैं, किस समय भी आ सकते हैं, और अपने आप को सुरक्षित पा सकते हैं। सो जस्ट से बाय फॉर नाउ। अपने आप को उस दरवाजे तक वापस चलते हुए देखिए। अब आप जब उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजे को खोलिए, अगर वह बंद हो गया था या अगर वह खुला हुआ है तो आप उस दरवाजे से बाहर निकलिए और फिर दरवाजे को फिर से बंद कर दीजिए, बिकॉज दिस इज योर प्लेस, यहाँ कोई और नहीं आ सकता, आप ही आ सकते हैं, आप ही इस जगह को विजिट कर सकते हैं। तो यह प्लेस को सुरक्षित आप रखते हैं, सेफ रखते हैं, यह जगह आपको भी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सो नाउ यू क्लोज द डोर एंड स्लोली स्लोली जस्ट सी योरसेल्फ वॉकिंग बैक
बिकॉज यू हैव टू कम बैक टू योर सेंसेस, आपके फिजिकल सेल्फ में वापस आना है. तो जस्ट फील अलाइनिंग विद योर फिजिकल बॉडी. आपकी सेंसेस अपनी अपनी जगह पर जा रही हैं एंड स्लोली स्लोली आप अपनी आंखें खोल सकते हैं धीरे धीरे विद अ सेंस ऑफ दिस न्यू चीज जो आपने आज एक्सपीरियंस की, उसको अपने अंदर फील करके. जस्ट ओपन योर आईज एंड यू कैन मूव योर हेड एंड रोल योर शोल्डर्स स्लोली स्लोली. आप अपने आप को उस चीज से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन बी इन योर प्रेजेंट सेंस. ओके, तो ये जो हमने वूम की अभी किया है, ये हमारा फर्स्ट था प्रिलिमिनरी चीज जो हमने वूम हीलिंग में की थी, जहां पर हम वूम इस तरह से विजिट करते थे. फिर वहां पे बहुत सी चीजें हमने की वूम के अंदर. ओके, तो पर ये फर्स्ट एक्सरसाइज, तो अब ये हुआ उस समय. अब सेम चीज हम EFT में कैसे करें? ओके, ठीक है. तो आपको अभी क्या करना है, आप सब में, सब लोग अपने वापस आ चुके हैं? लिटल इंग्लिश ऑल्सो मी यस हाँ, यू आर फीलिंग मैम यस इंग्लिश? मैम क्या कह रहे हो लिटल सब? इंग्लिश लिटल इंग्लिश अच्छा, लिटिल इंग्लिश. ओके, हाँ, या ओके, आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड ओके हिंदी बोथ. मैम वेरी नाइस एक्सपीरियंस मैम ये एक मेडिटेशन मिल जाएगा क्या क्या मिल जाएगा? सॉरी, वैसे जो अभी आपने मेडिटेशन करवाया बहुत अच्छा डीपली मेडिटेशन था ये मिल जाएगा रिकॉर्डिंग वाला हाँ, मिलेगा 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 मिलेगा. ओके ओके ओके, सो मैं दोनों, आई विल स्पीक इन बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. ओके, राइट. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई कर कोई भी आपका पेनफुल एक्सपीरियंस. ओके, सो इट कैन बी अभी थ्रू आउट योर लाइफ फ्रॉम वॉट एवर आपको जो भी मेमोरीज हैं. देर मस्ट हैव बीन सम इवेंट, कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ होगा जहां पर आपको उसका दुख या दर्द होगा, राइट? और वो दुख और दर्द अभी भी आपके दिमाग में, अब अभी भी हमारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में है. और हो सकता है कई बार आपको उसको लेकर स्ट्रेस हो जाए या कोई टेंशन हो जाए. सो बिकॉज अभी आई वॉन्ट यू टू रेट इट, है ना, राइट? सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी समथिंग विच यू आर वेरी अवेयर ऑफ, है ना, आप उसके बारे में सोचते हो या जानते, राइट? सो ईच वन, आई डोंट वॉन्ट टू आस्क, मैं आपसे पूछ नहीं रही, आई एम नॉट आस्किंग, बट एनी इवेंट मे बी फॉर अ वुमेन, अगर आप में से जो भी है लेडीज, उनका कोई ऐसा इवेंट है जिस मे बी इन टर्म्स ऑफ बर्थ, इन टर्म्स ऑफ अबॉर्शन और मिसकैरेज और एनीथिंग, वो भी आप ले सकते हैं. या आपका खुद का बर्थ के टाइम कुछ पेनफुल इवेंट हुआ हो, कुछ भी, एनीथिंग विच इज ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव फीलिंग. ओके, सो जस्ट आइडेंटिफाई, प्लीज आइडेंटिफाई दैट नेगेटिव थॉट. ओके, दैट मेमोरी ऑफ द पेनफुल इवेंट एंड आई वॉन्ट यू टू रेट इट फ्रॉम 0 to 10. 10 मैक्सिमम, सबसे ज्यादा अगर वह है तो 10, उससे थोड़ा कम है तो 9, 8, 7, ऐसे करके आप दे सकते हैं. अगर वो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप 4, 5 भी दे सकते हैं. लेकिन ठीक है, कुछ भी नंबर आपके हिसाब से जो आ रहा है. ओके ओके, और अब जब हम वी विल डू द सेटअप फ्रेज. ओके, सो जो आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग, देखिए जो EFT, एक मिनट लेट मी, जस्ट अ मिनट, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. या चलिए बाद में दिखा देते हैं, वॉज समथिंग विच मैंने लिख के रखी थी. ओके,
इसके बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो जो सेटअप फेज होगा, आई विल स्पीक, ओके, इमोशन आपका, ओके फाइन, आई विल स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, हाँ ठीक है? सो इन फर्स्ट आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो ये मैं एक कोई भी फियर को लेके कर रही हूँ, ओके, और उसकी वजह से मैं अपने वूम से, मैं अपने शरीर के इस भाग से कनेक्ट नहीं होना चाहती, ओके, मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ। तो स्पेशली ये वुमेन के लिए बहुत एप्लीकेबल है, ओके। सो इवन दो आई हैव फियर, यद्यपि मुझे एक प्रकार का भय है, और उसकी वजह से आई हैव नॉट वेंचर्ड इन टू नोइंग माई वूम, सो इवन दो आई हैव अ फियर एंड आई हैव नेवर वेंचर्ड इन टू नोइंग माई वूम, मतलब अपने वूम के बारे में जानने की मैंने कभी कोशिश नहीं की हैव ऑलवेज रिजेक्टेड लिसनिंग टू इट। नाउ सी वॉट यू हैव टू डू इज, जब मैं ये बोल रही हूँ, ये मैं आपको, यू हैव टू टैप योर, ये आपका कराटे पॉइंट जो सेटअप फ्रेज होता है उसको हम यहाँ टैप करते हैं। जब हम टैप करते हैं, आप एक फिंगर से कर सकते हैं, आप सारी फिंगर से कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सो इट इज अप टू यू, बट बिकॉज ये बड़ा एरिया है आप ये यूज करते हैं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो आप सिंगल फिंगर यूज कर सकते हैं, फर्स्ट फिंगर इज द मोस्ट एफिशिएंट फिंगर, इसको यूज कर सकते हैं, आप दोनों तरफ कर सकते हैं, ओके जो पॉइंट्स मैं बोलूंगी। सो व्हेन आई से आईब्रो, तो ये पॉइंट होता है, वो चार्ट में आपको देख, ओके जब मैं बोलती हूँ यहाँ साइड ऑफ द आई, तो ये होता है, ये आईब्रो जहाँ खत्म होता है वहां पे आपको चाहिए, आप दोनों तरफ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही तरफ भी कर सकते हैं, किसी भी तरफ, राइट लेफ्ट नो प्रॉब्लम, ओके। जब मैं ये कह रही हूं नोज के अंडर, चिन, ये कॉलर बोन, मतलब दो बोन्स के बीच का हिस्सा, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक ही हाथ आप करेंगे, दो भी कर सकते हैं, पर ये जब आप करते हैं अंडर द आर्म तो एक ही हाथ कर सकते हैं, हम दोनों तो कर नहीं सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होएगा, है ना? तो ये अंडर द आर्म, तो ये जो सीक्वेंस है वो मैं बोलूंगी, आई विल स्पीक द वर्ड्स, पर पहला हम कर रहे हैं सिर्फ सेटअप फेज, वो आप सिर्फ कराटे पॉइंट कर, ओके राइट। सो इवन दो आई हैव फियर एंड हैव नेवर वेंचर्ड इन टू नोइंग माई वूम, तो यद्यपि मुझे भय है और मैंने अपने वूम के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की, हैव ऑलवेज रिजेक्टेड लिसनिंग टू इट, हमेशा उसका तिरस्कार किया, उसको कभी समझा नहीं, बट टुडे आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, ओके। सो लेट्स डू दिस सेंटेंस फास्ट वन टाइम इन इंग्लिश आई विल स्पीक, इवन दो आई हैव फियर, आई हैव नेवर वेंचर्ड इन टू नोइंग माई वूम, हैव ऑलवेज रिजेक्टेड लिसनिंग टू इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट, बट टूडे आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। आप पढ़ भी सकते हैं, सामने लिखा हुआ है, सो यू कैन रीड इट ऑल्सो, बट यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है, मेरे बोलने से नहीं होगा, ओके। सो ये फर्स्ट सेंटेंस है, अब सेकेंड सेंटेंस बोलो, यही पे मार्क करते थे, इवन दो आई हैव फेल्ट सैडल्ड, मुझे दुख हुआ विद इट्स पेनफुल एनर्जी, जो भी उसमें दर्द है, दुख है, उससे मुझे दुख हुआ है, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। सो से अगेन, इवन दो आई हैव फेल्ट सैडल्ड विद इट्स पेनफुल एनर्जी, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, ओके।
देन थर्ड सेंटेंस वी आर सेइंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि तीन सेंटेंस होते हैं, दो भी हो सकते हैं एक भी हो सकता है, बट वी हैव पुट थ्री सेंटेंस. इवन दो आई हैव बर्डन बाय आइडेंटिफाइंग विद इट बीइंग माय पार्ट, यह मेरा भाग है, मेरा शरीर का भाग है, फिर भी मैंने अपने आप को इससे जोड़ा नहीं, इसको समझा नहीं. आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कंप्लीट. सबने ये बोल लिए तीन सेंटेंस. यस मैम. अब सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था? आपने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया, सेकंड स्टेप में आपने उसको रैंकिंग दी, थर्ड स्टेप में आपने कराटे चौक के ऊपर किया, राइट? अब हमारा इसको भी हम स्टेप थ्री बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा सेटअप फ्रेज को मैंने टू नंबर नहीं दिया, बट दैट इज टू नंबर. ओके, सो सेटअप फ्रेज बोलते हैं उसको, सेटअप फ्रेज वो. ओके, अब हम स्टेप थ्री पे आते हैं, यहां से हमारा सीक्वेंस शुरू हो. ओके, सीक्वेंस में जस्ट आई एम जस्ट शोइंग द चार्ट अगेन, लेकिन मैं चार्ट को बोलूंगी, इसके लिए चार्ट के ऊपर नंबर बोलूंगी, इसके लिए आपको वो फिकर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जस्ट मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ फिर से. सो जब मैं बोलती हूँ टॉप ऑफ द हेड, तो ये पॉइंट पे आएगा, यहाँ आपको दिखता है, यहाँ आपका जहाँ पे क्राउन चक्रा की पोजिशन आप बोल सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आप कर सकते हैं. फिर आपका आईब्रो जो मैंने आपको दिखाया, तो आपका आईब्रो का पॉइंट ये है, ये. ओके, फिर साइड ऑफ द आई, आईब्रो खत्म होती है वहां पर. फिर अंडर आई, ये आपको ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हिस्सा, इसमें आपको सेंटर लेना है, इसका सेंटर. ओके, सो जस्ट प्रेस ये सेंटर के ऊपर. ओके, तो ये स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है. ओके, यहाँ पे आपको करना. फिर अंडर द नोज, ये नोज के बीच में और इधर आपके लिप से बीच में हिस्सा जो है, जहाँ पे हमारी दो लाइंस होती है, उसके बीच के हिस्से में आपको टैप करने के, राइट? फिर ये चिन, यहाँ इसके नीचे. ओके, फिर आपका ये कॉलर बोन. ओके, और फिर अंडर आर्म, ये आपका पूरा एक सीक्वेंस होता है. ओके, वी विल डू ईच वन ओनली वन वन टाइम, सो पर हर एक का सेंटेंस अलग है, सेम सेंटेंस नहीं. सो आप जब, सिंस ये मैं खोल के भी रख रही हूँ, आपको अगर सुनाई नहीं देता है तो आप उसको पढ़ के भी बोल सकते हो. ओके, पर बोलना है. ओके, सो वी स्टार्ट फर्स्ट विद द आईब्रो, हम पहला आईब्रो से स्टार्ट करें, फिर यहाँ पे वापस आए. ओके, ठीक है. आई एक्नॉलेज द पेन एक्सपीरियंस बाय इट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. सो मैं अपने जीवन में जो यह पेन से मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसको मैं आज एक्नॉलेज कर रही हूँ, और उसका जो इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे है. फिर साइड ऑफ द आई, आई फील ओवरबर्डन बाई वेट ऑफ इट्स पेन, मैं इस इशू की वजह से ओवरबर्डन फील कर रही हूँ, आई कैन फील द पेन. अंडर आई, आई एक्नॉलेज द पेन एंड सफरिंग दैट हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड थ्रू माई मेटर्नल जनरेशन. सो मेरी जो माँ की साइड के जो जनरेशन है, जो यह पेन सफरिंग जिन्होंने सहा है, मैं उसको एक्नॉलेज कर रही हूं, जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूं, राइट? देन अंडर नो नोज, आई ऑनर द स्ट्रेंथ एंड री साइलेंस ऑन ऑफ माई फीमेल एंसेस्टर्स हु स्टूड बाय दैट पेन. तो मेरी जो माँ की तरफ के जो भी लोग हैं, जो जो स्त्रियां हैं जिन्होंने यह पेन को सफर किया, उनकी मैं स्ट्रेंथ, क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत थी और वो सहने की इतनी ताकत थी, मैं उसको ऑनर करती हूँ. अंडर द कॉलर बोन, सॉरी
not under the collarbone, this is under chin. I recognize that addressing this pain is an important step in my healing. तो मैं ये मानती हूँ और समझती हूँ कि यह पेन को सहना, उसको समझना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी हीलिंग जर्नी के लिए जरूरी है. फिर कॉलर बोन पे आई फील लाइक आई एम कैरिंग अ फियर दैट इज टू हैवी टू बेयर. मैं समझती हूँ कि मैं जो भी ये पेन कैरी कर रही हूँ वह बहुत ही बड़ा है और बहुत भारी है मेरे लिए संभालने के लिए. उसके बाद अंडर द आर्म आई फील स्टक इन साइकिल ऑफ पेन एंड सफरिंग. मैं यह पेन की जो साइकिल है उसके अंदर फंसी हुई अपने आप को पाती, अपने आप को पाती, राइट. और फिर आप टॉप ऑफ द हेड पे आएंगे. आई फील अशेम्ड ऑफ द ट्रॉमा दैट आई एम कैरिंग नोइंगली और अनोइंगली, बट दिस मस्ट स्टॉप. पर यह इसका अंत होना चाहिए. मैं इस चीज के लिए भले ही बहुत ही बुरा फील करती हूँ जो मैं ये कैरी कर रही हूँ, चाहे नोइंगली या अनोइंगली, लेकिन अब इसका अंत होना चाहिए, राइट. सो ये आपका फर्स्ट साइकिल हुआ, जो हम जिसको बोलते हैं कि सॉरी नॉट रिलीज सर्कल. हाँ, ये जो हमने फर्स्ट साइकिल किया था, राइट, सेटअप फेज के बाद. अब ये यहाँ पर अगर आप देखो तो हम पूरी नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं कि मैं एक्सपीरियंस किया पेन, मैंने ये है, मैं अशेम्ड हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं ये, राइट. अब हमको इसको निकालना है, इसको रिलीज करना है. सो वी हैव टू रिलीज. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग टू डू इज द रिलीज फ्रेज. सो यूजुअली जो हमारा EFT प्रोटोकॉल होता है उसमें ये सारे स्टेप्स नहीं करते हैं, बट ये पर्टिकुलर वोम हीलिंग के लिए जो मैंने डिजाइन किया है या जो हमने डिजाइन किया है उसमें वी हैव मोटिवेशनल फ्रेज, रिलीज फ्रेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस वी हैव यूज. सो वी हैव मेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल. तो ये उसमें फर्क है, ये मैं बताना चाहूँ. ओके, सो यहाँ पर आपने एक बार अपने इमोशन को अटैक किया, उसको समझा, उसको ऑनर किया. अब आपको उसको निकालने की जरूरत है क्योंकि वह आपके लिए भारी, वह आपके शरीर में दुख दुख पहुंचा रहा है आपको, राइट. सो रिलीज फेज वी विल डू. सो अगेन वी विल स्टार्ट विद द आईब्रो. सो आई रिलीज द नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस एसोसिएटेड विद दिस ट्रॉमा. सो इसलिए मैं अपने जो भी मैंने इस पेन से एसोसिएटेड ट्रॉमा को स्टोर किया है उसको मैं रिलीज कर रही हूँ. साइड ऑफ द आई आई लेट गो ऑफ द गिल्ट एंड शेम एंड आई फील अबाउट दिस ट्रॉमा. सो वॉट एवर गिल्ट एंड शेम जो भी मैं फील करती हूँ रिलेटेड टू दिस ट्रॉमा, अब मैं उसे अपने शरीर से, अपने मन से, अपने तन से दूर कर रही हूँ. फिर अंडर द आई आई रिलीज द फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत बार अपने आप को मैं पावरलेस पाती हूँ. मैं पाती हूँ कि मेरे पास कंट्रोल नहीं है. एंड इंस्टेड एम्ब्रेस माई एबिलिटी टू हील एंड ग्रो. सो इसके बदले, पावरलेस फील होने के बदले, मैं सक्षम फील करना चाहती हूँ, राइट. सो आई वॉन्ट टू हील दिस एंड ग्रो. देन अंडर द नोज आई चूज टू लेट गो ऑफ द नेगेटिव बिलीफ एंड पैटर्न्स दैट हैव बीन पास डाउन थ्रू माई लीनेज. सो मेरे लीनेज से जो भी नेगेटिव पैटर्न्स मुझे मिले हैं, जो बिलीव्स मिले हैं जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अब मैं उनको निकाल रही हूँ. देन चिन आई एक्नॉलेज दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपेंड, वॉट एवर इवेंट हैपेंड, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हीलिंग. मैं अपने ही हीलिंग के लिए जिम्मेदार हूँ, औरों के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए जिम्मेदार नहीं, राइट. देन अंडर कॉलर बोन आई रिलीज द फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्ड एंड चूज इंस्टेड टू फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ. तो मैं इस चीजों में पड़े रहने के बजाय, अपने इमोशंस अरोज करने के बजाय, मैं फोकस करना चाहती हूँ अपनी ताकत पर, अपनी हिम्मत, अपने आगे बढ़ने. ओके, देन अंडर आर्म आई लेट गो ऑफ
the cycle of pain and suffering and instead choose to embrace hope and healing. तो आज मैं अपने आप को इस साइकिल जो यह कार्य क्रियाक्रम चल रहा है जिसमें मैं फंसी हुई उससे अपने आप को बाहर निकाल रही हूँ और उसके बदले मैं होप और हीलिंग को चूज कर रही हूँ राइट एंड देन टॉप ऑफ द हेड आई रिलीज द बर्डन ऑफ दिस ट्रॉमा एंड इंस्टेड चूज टू फोकस ऑन माई ओन वेल बीइंग एंड ग्रोथ. आज मैं अपने आप को इस जगह से इस चीज से मुक्त कर रही हूँ जिससे कि मैं अपना फोकस अपनी हीलिंग और ग्रोथ पर लगा पाऊँ. तो आप यह इस तरह से रिलीज करें. अब आपको क्या करना है, आपको स्टेप मेकिंग फ्रेज करना है, मतलब पीस मेकिंग फ्रेज. आपने पहले क्या किया, आपने वो फ्रेजेस बोले, फिर आपने उनको रिलीज कर दिया. अब आपको पीस भी करना है ना, अपने आप से समझौता, अपने आप से मतलब सॉरी शांति प्रिय चीजें भी बोलनी है राइट. सो आपके अंदर क्या क्या हुनर है, क्या क्या चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो. सो आई नो माई पेशेंस, अगेन यू विल स्टार्ट, आई नो माई पेशेंस स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू सर्वाइव, कि मैं जिंदा रह सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, मैं ये पेन एंड ट्रॉमा को फेस कर सकती हूँ. तो मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने ताकत पर विश्वास है, मुझे अपने पेशेंस पर विश्वास है राइट. उसके बाद साइड ऑफ द आई, आई रिस्पेक्ट माई पोजिशन एंड द वे आई हैंडल द सिचुएशन. जिस तरह से मैंने अपने जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियों का ध्यान दिया, उनके ऊपर उनको समझा है, उनको झेला है, उनसे हार नहीं मानी है, तो मैं अपने इस पोजीशन को रिस्पेक्ट करती हूँ. फिर अंडर आई, आई रिस्पेक्ट आई हाउ आई हेल्ड माई स्पेस एंड डिडंट अलाउ इट टू अफेक्ट माई फैमिली. मतलब मैंने अपने आप को मजबूत बनाया और ये भी देखा कि दूसरे लोगों को भी मैं इस चीज से किसी प्रकार से अफेक्ट ना होने दूँ, उनको किसी प्रकार का दुख ना होने दूँ. फिर अंडर द नोज आई एम ग्रेटफुल फॉर द लेसन्स. तो भले ही जो भी कुछ हुआ जीवन में उससे जो मैंने सीखा है, जो विजडम मिली है, वो जो मुझे सपोर्ट मिला है मेरे वेलविशर्स के, उस सबको मैं उसके लिए कृतज्ञता अपनी दर्शा रही हूँ. फिर चिल, आई चूज टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, एंड फोकस ऑन हीलिंग एंड रिकंसिलेशन. सो जिम का ये है. और उसके बाद अंडर द कॉलर बोन आई चूज टू ऑनर द मेमोरीज एंड कैरी माई लाइफ फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल वे. सो मैं आज ऑनर करती हूँ जो भी कुछ हुआ, जो भी चीजें मेरे साथ घटित हुई, जो मेरे दिमाग में है, जहन में है, मेरी मेमोरी में है, मैं उनको यहाँ पर खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है. और फिर टॉप ऑफ द हेड, आई नाउ सेंड लव एंड कंपैशन टू दैट एंड इवन होल्ड स्पेस फॉर हीलिंग दिस ट्रॉम. तो मैं अपना जो है इस चीज को स्वीकार करते हुए अपना प्यार भेज सकती हूँ. अब जो है हमने ये सीक्वेंस किया, नाउ यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ बिकॉज आपको देखना है कि आपकी इंटेंसिटी जो भी उस इवेंट को लेकर, सिचुएशन को लेकर, पेन को लेकर, मेमोरी को लेकर है, वह कम हुई है कि नहीं. अगर वह कम हो गई है, आपके शरीर से वह निकल गई है, खत्म हो गई है, तो आप आगे बढ़ेंगे. मतलब कम हो गई मतलब अगर जैसे कि बहुत फर्क पड़ा है, पहले 8-9 थी, अब वो 5 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, ऐसे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर हम वापस से वो सीक्वेंस पे जाएं और फिर से वह चीज को करें जब तक कि हम उसको रीजनेबली थोड़ा कम उस पे नहीं आए. ओके, सो नाउ सी दिस इज द पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल फ्रेज जो हम यूज करते हैं. सो आप समझ सकते हो कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये बहुत बड़ी हैं. दे आर नॉट लाइक नॉर्मल EFT प्रोटोकॉल जो हम यूज करते हैं. इसमें हमने काफी चीजें इंक्लूड की हैं जो
नई तरीके से डाली गई, राइट? सो पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल फ्रेज में ये लास्ट सीक्वेंस है, सो प्लीज आप लोग फिर से करिए. सो आईब्रो के ऊपर आपको करना है, आई एम स्ट्रॉन्ग, ये आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट? सो आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ हीलिंग एंड थ्राइविंग. आई एम कनेक्टेड टू माई वूम इन पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल वे. आई एम वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड सो इज माई वूम. अंडर नोज आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी टूवर्ड्स हीलिंग एंड रिकनसिलेशन. सबका हुआ है? सो यहाँ पर आप पॉजिटिव चीजें बोल रहे हैं, सब मोटिवेशनल चीजें बोल रहे हैं अपने बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में. चिन, आई हैव द स्ट्रेंथ टू ओवरकम चैलेंजेस एंड बैरियर्स इन माई पाथ. अंडर कॉलर बोन, आई एम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड हेल्दी फ्यूचर फॉर माई सेल्फ, माई होम एंड माई लव्ड वंस. अंडर आर्म, आई एम एबल टू फाइंड होप एंड हीलिंग डिस्पाइट चैलेंजेस आई फेस. टॉप ऑफ हेड, आई एम वर्दी ऑफ लिविंग अ लाइफ दैट इज ऑफ जॉय एंड पॉजिटिव अकम्प्लिशमेंट. सो मैं इसकी वर्दी हूँ कि मैं अपना जीवन सुखद वह में जीऊँ, सुख पाऊँ, अच्छी तरह से जीवन को जी पाऊँ, राइट? अब ये एंटायर प्रोटोकॉल आपको करना है जब तक आपका ये नेगेटिव इमोशन खत्म नहीं हो जाए. ओके, सो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आप 3 सेट्स में करो, दिन में 3 बार करो, और जैसे 3 टाइम करो, 3 टाइम और 3 बार, और फिर आप हर बार डीप ब्रेथ लेके यू विल एंड में यू विल रिफ्लेक्ट कि आपका प्रोसेस कैसा रहा, आप कैसा फील कर रहे हो, आप किस लेवल पर हो. आप उसको नोट कर सकते हो सो दैट नेक्स्ट टाइम यू नो कि आपका ये लेवल इतना है. और अपने आप से प्यार करो, अपना ध्यान रखो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? सो सबने ये EFT प्रोटोकॉल कर लिया है? मैडम, स्टेप 6 में अंडर द आर्म शायद मिस हो गया, आप देख लेना एक बार। Step 6 में 1 मिनट. अच्छा, ओके. ये एक्चुअली आई हैव ओनली मेड दिस, मैंने खुद ही लिखा है सारा, मतलब अपना बनाया है, सो इट्स पॉसिबल. तो अंडर द आर्म तो है, इसके बाद देखो मैडम, इसके बाद शायद ना, आई थिंक इसके बिफोर द, बाद हाँ तो इसके पहले, इसके पहले 7 के पहले 5 में जाओ आप, 5 में शायद, अच्छा. हाँ ये इस नहीं, इसके आगे आओ आप, हाँ ये यही मैडम, कॉलर बोन के बाद वही वही लास्ट स्लाइड जो था ना अभी, आप जो दिखाए अंडर आर्म है कॉलर, ना? नहीं इसके अभी जब आप दिखाए ना 5 के ऊपर, हाँ एक मिनट. यहाँ पे ये देखो, अंडर कॉलर बोन के बाद ओके, हाँ हाँ यहाँ समझ गई. ओके, थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग दैट. ओके ठीक है, आई विल पुट इट सो दैट आपको जब ये वो मिल जाएगा. सो 1 मिनट, जस्ट दिस. ओके, लेकिन मैं अभी भी डाल सकती हूँ. मैम, ये टॉप ओप हेड के ऊपर आता है मैम, अंडर आर्म, क्या चीज? हाँ हाँ ये सॉरी अंडर सॉरी, आर्म कॉलर टॉप बोन ऑफ के हेड, अंदर आएगा, टॉप ऑफ द हेड से पहले आए, यहाँ पे आए. राइट, सो इस तरह से ये प्रोटोकॉल्स होती हैं. थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो.
तो ये हमारे जो मैंने बताया आप लोगों को कि अपने अलग अलग जो भी सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से हम ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाएंगे और वी विल बी डीलिंग विद ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. ओके, सो हर एक के प्रोटोकॉल अलग होंगे. तो यू कैन इमेजिन अराउंड 15-20 के करीब कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे इसमें. पर इट इज वेरी हेल्पफुल. और ऑफकोर्स वो सिचुएशन को भी हमको समझना कि जैसे कि अगर हम फादर वुंड बोलते हैं उसका मतलब क्या है, मदर वुंड का मतलब क्या है, उस चीज में क्या परिस्थितियां होती हैं, किस तरह के सोच विचार होते हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस होता है ना. तो हर एक चीज का क्या मतलब है, उसका क्या व्हाट हैपेंस इन दैट सिचुएशन, एंड अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल उसके हिसाब से वो शेयर किया जाए. ओके, सो आई होप यू ऑल हैड अ गुड एक्सपीरियंस. एनीबडी वॉन्ट्स टू शेयर एनी थिंग आप बोल सकते हैं, द पोर्ट इज ओपन. Mama, it was very beautiful actually. The womb healing, when you guided it, was very easier to imagine and open it up and see. And it हाँ was like the very first time I was actually able to go inside my womb and see how it really feels like to be inside. And ma'am, just while I was doing the tapping, you had mentioned that we can pick up any memory or या anything that's bothering us. ओके So, irrespective of whatever is the issue, we can still repeat the same phrases, ma'am, whatever you had put in the. Yes, yes, yes. The phrases will remain the same, unless you want to construct any phrase yourself. Agar aap, you want to make your own phrases, you can also make. Sometimes when we are speaking the phrase, तो हम उसपे expand भी कर सकते हैं. You can expand on that also. Suppose say for example, I'm saying I'm feeling very bad. I'm feeling very burdened. I'm feeling not good. Means you're expanding. है ना, राइट. सो मैंने एक यस आई हैव गिवन वन सेंटेंस, बट इफ ऑन दैट सेंटेंस देर इज एनी अदर इमोशन ऑल्सो कमिंग टू यू, यू कैन ऐड दैट इमोशन, राइट. ओके इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज टेल मी, आई विल, वी कैन वर्क इट आउट, श्योर है ना, राइट. यस, तविशा आपने किया? ओके यस मैम, मैंने तो किया. मुझे ये पूछना था कि ये हाँ हमारे वार्म कनेक्टिविटी के लिए था या ये सभी चीजों के लिए था. नहीं, देखो ये सेंस ये वूम हीलिंग के ऊपर है, सो मेरे जो फ्रेजेस थे उसमें काफी कुछ वूम के ऊपर ही था, राइट. क्या होता है, चाहे आपका कोई भी पेन हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी सिचुएशन, उसकी मेमोरी आपके वूम में होती है ना. हम नेगेटिव चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव चीजों की बात नहीं कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पेनफुल मेमोरीज, है ना. क्योंकि क्या पर्पस क्या है, आप हीलिंग क्यों कर रहे हो, आपको कंप्लीट होना है, आपको पूर्ण होना है, राइट. आपको अपने आप से जो चीजें आपको जरूरत नहीं है जीवन में, जिस जगह पे आप अटके हुए हो, जिन चीजों पे आप अभी भी, जैसे हमने शमानिज्म में रिकैप्चुलेशन एक्सरसाइज किया ना, जहाँ पे हम अपनी इमेजेस जो है वहां पे जाते हैं, राइट. सिमिलरली आप यही कर रहे हो, यू आर कमिंग टू दैट प्लेस. जब आप वो बोल रहे हो, नेगेटिव सेटअप स्टेटमेंट्स बोल रहे हो, तो आप वो इमोशन जो है, जो फिजिकल पेन है, जो इश्यू है, उसको एड्रेस कर रहे हो, उसको स्टेट कर रहे हो. आप ये नहीं कह रहे हो कि आप उसको चेंज करके उसको पॉजिटिव वे में बोल रहे हो, नहीं. यू आर ब्रिंगिंग दैट फैक्ट इन फ्रंट, ये है, ये चीजें सिचुएशन है मेरी, इससे मुझे दर्द है, मुझे दुख है. फिर आप उसको बाहर निकालो निशानी से, यू आर रिलीजिंग इट. फिर यू आर उसको चेंज करो, तो उसके लिए आप उसको भर रहे हो, उसमें मोटिवेशन चीजें डालो. दैट इज हाउ मैम पर्पस. बेसिकली ये 3 स्टेप हो गए. फर्स्ट, सबसे हाँ बड़ी बात है पहले एक्सेप्ट करना सिचुएशन का, फिर उसको रिलीज करना, देन उसे हाँ रिप्लेस करना विद गुड अफर्मेशन, बिकॉज हाँ करेक्ट, राइट. वो जगह खाली नहीं छोड़नी जो हमने हाँ रिलीज की. हाँ वो वॉइड को फिल करना है, और फिल फिल करना है करके उसको एक पॉजिटिविटी देना,
एक नया ऊर्जा भरनी है, नया तरीका। मैंने अभी ये अभी अभी मैंने किया था तो मेरे पैरों में कल रात से बहुत दर्द था, वैसे इनफेक्ट ओके चला भी नहीं जा रहा था, मैं सोची थी मेरी शुगर बढ़ गई और पैरों में दर्द हो गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैंने जब इंटेंसिटी नोट की तो मैं 100 to 100, ओ सॉरी 10 to 10 की इंटेंसिटी थी, क्योंकि मेरे बहुत दर्द हो रहा था। ओके और इस वक्त मेरे पैरों में इतनी ठंडक लग रही है ना, मेरे पैर का दर्द मैं कहती हूँ खत्म ही हो गया ये करते करते। हाँ और मैं ओके ईएफटी करती हूँ अपनी, मैंने सीखी थी, लेकिन जो इतनी जो ये चीज जो आज मैंने की है ना, वो मुझे हाँ ज्यादा इफेक्टिव लगी, टू बी हाँ वेरीफाइड। ये हाँ ये ईएफटी अलग तरह की है, थोड़ा इसमें ज्यादा चीजें हैं जो हमने इंक्लूड की है। इट इज ऑफ कोर्स ईएफटी में भी बहुत सारी होती है, ईएफटी पॉजिटिव भी होती है जिसमें कि हम पॉजिटिव स्टेटमेंट से भी स्टार्ट करते हैं। चॉइस ईएफटी चॉइस भी होती है जिसमें आप अलग अलग तरह से भी ईएफटीज हैं, मेंटल ईएफटी है, ब्लाइंड ईएफटीज है, बहुत सारी तरह की ईएफटीज होती हैं जो आप कर सकते हो। सो दिस स्पेसिफिकली वी हैव, इसमें हमने जो है इसका प्रोटोकॉल अलग स्टाइल से किया है वही नहीं मैं। मैम, बहुत बढ़िया। ओके और किसी को कुछ बोलना हाँ मैडम, एक्सक्यूज मी, है? हाँ जी बोलिए। आई एम रेखा। एक वो जानना चाह रही हूँ कि जैसे एक केस है उनका जो मतलब शी इज प्रेग्नेंट एंड एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, ड्राई हो गया है, तो जो फीटस है उसको खतरा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो अभी ईएफटी आप प्रेगनेंसी के टाइम भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो एक्यूप्रेशर जो होता है वो हम यूजली, क्योंकि हम प्रेस करते हैं वो हम लोग यूज नहीं करते हैं उस समय। कई कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम यूज नहीं करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, दे आर नॉट एडवाइज और अलाउड। ओके, जी लेकिन ऑफ कोर्स मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप कह रहे हो वो तो चल ही रहा होगा, है ना, उसके साथ हाँ, साथ आप ये मेडिकल कर तो सकते चल हो। रहा है। हाँ, उसके साथ साथ आप ये यूज कर सकते हो। लाइक आई हैव यूज्ड इट फॉर सम पीपल जिनको फेलोपियन ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज था, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कंसेप्शन के टाइम, जिनको डिलीवरी अदरवाइज एवरीथिंग वाज नॉर्मल लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, सो उनके लिए इस्तेमाल किया है एंड इट हैज ब्रॉट अ चेंज। ऑफकोर्स दे नहीं आर तो ये गोइंग जो थ्रू। हाँ एमनियोटिक फ्लूइड वाला है इसके लिए कैसे मतलब तो क्या करना चाहिए? नहीं, इसके लिए ऑफ कोर्स मेडिकली व्हाट व्हाट इज शी डूइंग। मेडिकल ट्रीटमेंट तो हो रहा है बट स्टिल हाँ मतलब अभी ठीक नहीं है, बहुत ही कम हो गया है, तो देर इज डेंजर फॉर द फीटस। सो एक्चुअली देखिए, जो इज इट समथिंग शी इज एक्सपीरियंसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इज देयर सम नो, दिस इज द इश्यूज सेकेंड व्हिच सेकेंड सेकेंड हर। हाँ इस टाइम कंसीव करा है। हाँ सेकेंड टाइम, बट इन द फर्स्ट टाइम हाउ वाज इट? इट वाज ओके। देयर वाज नो इशू। नो हैज द जेनेटिकली एनी इश्यूज बीन विद द अदर पीपल इन द फैमिली? हाउ हैव देयर, सी देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर, राइट? आई विल नॉट से कि वो 100% रिजल्ट इसकी वजह से मिलेगा, लेकिन वी कैन ऑफ कोर्स, इफ इट्स बिकॉज ऑफ एनी मेंटल प्रेशर, इफ इट्स बिकॉज ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, इफ इट्स बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिक इश्यूज और एनीथिंग विच मेबी सम पर्सन इन हर हर फैमिली हैज एक्सपीरियंस अर्लियर ऑल्सो एंड ऑल दोस थिंग्स, तो देन इफ इट्स पास डाउन थ्रू दैट, तो उसमें ऑफकोर्स दे कैन बी एक राहत मिल सकती है। यस मतलब ये ईएफटी से हो जाएगा, डायरेक्टली होगा उनको मतलब करना पड़ेगा इस तरह से। नहीं, देखो शी हैज टू डू इट आपको, हर यू हैव सेल्फ। टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द क्लाइंट इज इन अ सीवियर सीरियस कंडीशन, है ना, इट्स नॉट समथिंग विच इज अ वेरी दिस थिंग, शी इज गोइंग थ्रू अ मेडिकल ट्रीटमेंट। व्हाट इज द डॉक्टर सेइंग? राइट। डॉक्टर इज सेइंग कि 100% हो जाएगा। बोलिए नहीं अभी तो डाउटफुल है ना मैम, इट इज फिफ्थ बोलिए। मंथ। सो यू या आर सेइंग समथिंग वेयर यू आर डिपेंडिंग ऑन अ ऑल्टरनेट मेडिकल साइंस टू राइट बी 100% श्योर, वेयर द मेडिकल साइंस इज नॉट सेइंग 100% श्योर, राइट? तो कभी भी यू कांट टेल द क्लाइंट लाइक दैट कि नहीं 100% हो जाएगा, व्हेन द मेडिकल साइंस इटसेल्फ इज नॉट एबल टू गिव यू द 100% गारंटी, राइट? राइट सो वी आर ऑल ट्राइंग, वी ऑल ट्राई टू डू समथिंग, इफ थिंग्स कैन मूव कैन चेंज, यस व्हाई नॉट वी वर्क टुवर्ड्स दैट। मतलब ये इसमें भी इसी तरह से ईएफटी से जो स्टेप्स आपने बताए हैं तो शी कैन डू दी स्टेप्स।
शी कैन ये डू, वाले। बट सी इट रिक्वायर्स अ, सी क्या है, देयर इज अ पिक्यूलियर कंडीशन ऑफ हर्स, है ना, ये है, दीज आर जनरलाइज प्रोटोकॉल्स, शी विल रिक्वायर सम मोर थिंग्स, वेयर मे बी अ प्राइवेट सेशन और अ सेशन वेयर इज एक्सक्लूसिवली फॉर हर, है ना, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड हर सिचुएशन, यू हैव टू मॉनिटर इट, यू हैव टू मेक द स्टेप्स अकॉर्डिंगली, है ना, अंडरस्टूड, वो आप, सो यू कैन जनरल, बिकॉज ये है दीज आर द जनरल स्टेप्स, वी कांट इम्प्लीमेंट दिस ऑन हर, नो, इन द राइट? सेंस दे आर जनरल स्टेप्स मीन्स वॉट, दे आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग, सो दे आर नॉट जनरल इन दैट वे, बट इन द सेंस दे आर फॉर एवरीबडी, एवरीबडी, है ना, राइट, हु बट एवर दिस हैज गॉन थ्रू दैट, हाँ, लेकिन स्पेसिफिक ये, प्रॉब्लम, हाँ, या तो शी हैज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, राइट, सो इट बिकम्स एन डिफरेंट केस, इट्स नॉट समथिंग वेयर यू नो, अब जैसे मैं मिस कैरेज बोलूँ तो 1,000 लोग होंगे मिस कैरेजेस वाले, राइट, है ना, तो उसका जो अगर ट्रॉमा उससे रिलेटेड है जो आपकी बॉडी ने स्टोर किया है, तो वो तविशा को भी हो सकता है, मुझको भी हो सकता है, किसी और को भी हो सकता है, लेकिन जो ये सिचुएशन है तविशा और मुझको नहीं है ना, या हमने कभी फेस नहीं की होगी, मे बी इट मे बी वन आउट ऑफ सो मेनी ऑफ देम, है ना, तो वो एक, यू हैव टू टॉक टू हर, अंडरस्टैंड सिचुएशन, डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू हर, इस तरह से, हाँ जी, तो राइट, इसके लिए तो मतलब अलग तरीके से करना होगा, डिफरेंट वे वी हैव टू थिंक ओवर इट के हाउ वी हाँ, कैन नहीं मतलब सॉल्व व्हाट इट दिस मींस प्रॉब्लम और इज हाउ इट्स वी लाइक कैन कि इम्प्रूव कोई दिस। कोई जना आईसीयू में हो और कोई जनरल वार्ड में हो, तो फर्क होता है ना, राइट, है ना, ट्रीटमेंट दोनों को मिलता है, आईसीयू वाले को भी मिलता है, जनरल वार्ड वाले भी, लेकिन उसमें सिचुएशन क्रिटिकल है, उसमें जो है उसके लिए एक अलग सेटअप है ना, ठीक है, वी कैन टॉक अबाउट इट, आप बात कर सकते हैं बाद में, ओके, तो थैंक और किसी को कुछ यू। पूछ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, जो हमने वो मीलिंग में किया था वो क्या कुछ सिलेबस रिपीट होगा इसमें? कुछ मेडिटेशंस जो उसकी बहुत इफेक्टिव थी वो मीलिंग जो आपने करवाया था हमें, हाँ तो करें, कुछ रिपीट होंगे उसका सिलेबस कुछ इसमें? पर फिर उसमें ये होगा आशा के कुछ क्लासेस हमको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्या होगी कि जी ये सिंस ये जो 8 क्लासेस का है उस हिसाब से ये डिजाइन किया गया है ना, अगर हम जी वो करते हैं तो इट विल रिक्वायर ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग, लेट्स सी, अगर स्टूडेंट्स हैं जो नए वाले हैं एंड मैं पूछ के देखती हूँ, मुझे मतलब अब फिर वो फिर उसमें फिर हमको ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ जाएगा ना, तो मैम मैम बढ़ा इसमें लेना क्या ड्यूरेशन, आप बात कर लेना, कर लेंगे 2 महीने का कर लेंगे। अच्छा ओके ठीक है, अगर तो ऐसा मैम इस कोर्स में भी मेडिटेशंस हैं? नहीं, अच्छा इसमें नहीं है। इसमें मेडिटेशन नहीं है, जी इसमें एनर्जी इंट्यूटिवली ऑफ कोर्स थोड़ा स्कैनिंग होगा, थोड़ा जी अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर, तो वो चीज होगी, और फिर उसके ऊपर ही EFT प्रोटोकॉल, जी मैम, तो पर हाँ वो ट्राई कीजिए, मेडिटेशन जो है वो हाँ ये एक्सटेंड वो हो। मुझे बहुत लोगों ने बोला वो कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत इफेक्टिव थी, हमको बहुत फर्क पड़ा था उससे, जी मैम, लेकिन ठीक है, मैं बात बात करके देखती हूँ, पूछ लूँ, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, फिर वो 1 month के बदले 2 महीने का कोर्स हो जाएगा, इसके लिए वो फर्क हो जाएगा फिर, जी मैम कर लेंगे मैम। ओके ठीक है, पूछ लूंगा, तो जी मैम, किसी को कुछ पूछना है, यस मैम, गुड पूछे, आफ्टरनून मैम। मैम मुझे ये पूछना था, मेरा ये पहला कोर्स है आपके साथ हाँ और जी इसमें थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया है,
और ये जो आपने अभी ये जो पॉइंट्स बताए हैं और सारा कुछ मैंने देखा सुना, तो मैम ये वूम के हीलिंग में ये पॉइंट्स का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है? ये क्या मतलब पॉइंट्स के साथ वूम की हीलिंग, जैसे आपने अभी बताया जो जो, इसका क्या मतलब है? मतलब ये क्यों ज्वाइंट क्यों आपने बताया ऐसे, मतलब इसका क्या मतलब है? ये देखो पॉइंट्स जो इस, आपने बताया एब्रोज में, ये चीज है ना? हाँ तो ये जो है ये ईएफटी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं ना। ईएफटी जो है वो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है ना, क्योंकि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन इमोशनल, किया तो शायद आपने देखा नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक टैपिक पॉइंट्स है ना। जैसे कि जी जी हम एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अगर हमको फिजिकल पेन होता है, कोई भी हाँ इश्यू होता है ना, डायबिटीज के लिए भी यूज होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज होता है। भले ही वह जी जो पॉइंट्स पे हम नीडल लगाते हैं या जो पॉइंट्स पे हम प्रेस करते हैं वो कोई पेनक्रियास का पॉइंट तो नहीं है, मतलब बाहर से तो पेनक्रिया नहीं है, पर वो पॉइंट हमारा मेरिडियन से कनेक्टेड है जो कि जिसका फ्लो उस चीज से रिलेटेड है। ओके तो अच्छा यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं आप बोल सकते हैं मिरेकल पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमारे इम्पोर्टेंट मेरिडियन से कनेक्टेड है, एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड है। जिस तरह से हमारे चक्रा से कनेक्टेड होता है उसी तरह से ये हमारे सेंटर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेंटर मेरिडियन से कनेक्टेड है। तो जब हम इन पे जो टैपिंग करते हैं तो हमारा को जो भी पेन हम फेस कर रहे हैं, भले किसी प्रकार का भी पेन है, चाहे वह वोम हीलिंग हो या वो माइग्रेन हो या कुछ भी हो, पर उसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज है जो हमारे स्टेटमेंट्स, समझे, ये पॉइंट्स तो हैं तो जो वेरी करेगा क्या, स्टेटमेंट्स वेरी करेंगे। तो जब आप माइग्रेन के हिसाब से ले रहे हो तो आप बोलोगे इवन दो आई हैव अ पेन इन माई हेड आई एम डूइंग दिस, राइट। तो जब आप कह रहे हो कि इसका हम वूम हीलिंग से क्या कनेक्शन है, क्योंकि जो हमारे स्टेटमेंट्स होंगे वो सब वूम से रिलेटेड हो, जी पर वो वूम में क्या ठीक है क्या जी चीजें हमने फेस की उसके हिसाब से होंगे। अगर हमको कोई ट्रोमैटिक बर्थ हुआ है तो उसमें सेंटेंसेस में ट्रोमैटिक बर्थ का मेंशन होगा। अगर वह हमारे कोई मिसकैरेज से रिलेटेड है तो उसमें कहीं ना कहीं मिसकैरेज का इमोशन, मिसकैरेज वर्ड आएगा। ओके तो इस हिसाब से होंगे। तो जो भी तो वूम मैम ही ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बर्थ कैसे हुआ? ये तो जैसे ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या सिचुएशन थी या कैसे है? देखो, एक तो चीज है कि कुछ चीजें तो आपको पता होती हैं, आपको ये तो पता होगा कि आप नॉर्मल बर्थ से हुए कि आप सिजेरियन से हुए, राइट। जी मैम आपको ये भी पता होगा कि आपकी मदर को पेनफुल डिलीवरी थी कि नहीं थी। मैं ऐसे बोल रही हूँ, कुछ सिचुएशंस में या जी जी कुछ मैम ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम होता है, राइट। ये भी मालूम जी होता है कि आप ट्विन के साथ थे या आप अकेले थे, राइट, कि ठीक है आपका जी ट्विन ब्रदर मर गया के जीवित है, भाई या जीवित बहन जो भी जी थे। जी ये भी पता होता है कि आप कभी कभी माँ बच्चों को ये तक पता होता है कि उनको गिराने की कोशिश की गई थी, उनको मारने की कोशिश की थी, उनके माँ बाप उनको नहीं चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी तीन लड़कियां थी। तो ये कुछ सिचुएशंस में तो हमको इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ सिचुएशंस में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जो हमसे रिलेटेड नहीं होती और हमारे जनरेशंस पहले से रिलेटेड होती है, राइट। तो वहां पे आपको कोई ऐसा जैसे एक्सपीरियंस होता है, आपको फील होता है, आपको इरिटेशन होती है अपने वजूद पर, अपने आप पर, अपने चीजों पर, अपनी फेमिनिटी पर, राइट। तो या आपको चॉइस करने में डिफिकल्टी होती है, आपको हस्बैंड के साथ पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कुछ ना कुछ कारणवश, है ना, ये सिचुएशन होगी, है ना। तो उसमें क्या कारण हो सकता है, कैन बी के भाई आप के माँ बाप आपको पसंद नहीं करते थे, आपको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आपको गिराना चाहते थे, या जब आप कोख में थे तब वो ऐसी बातें करते थे कि आपको उस चीजों का ट्रॉमा आपने कलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे माँ बाप को ये नहीं चाहिए कि मैं पैदा हूं, राइट। तो
इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज की मेमोरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पेन तो रिलेटेड होगा ना आपके बॉडी में, आप फील करते होंगे उस चीज को, है ना? तो जब वो क्लाइंट आपको या आप ऐसा बताते हो कि मुझे ऐसा फील होता है, तो हम वो एनर्जी को सेंस, मतलब वो सिचुएशन को सोचने की कोशिश करते हैं और फिर उस हिसाब से वो प्रोटोकॉल बनाते तो हैं, मैम समझे? इस कोर्स में वो सब कुछ कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे हम इस कोर्स में, जैसे कुछ भी जैसे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? ठीक हाँ, बट है मैम, इसमें जो जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सब मैंने लिस्ट की है जिनसे रिलेटेड हम प्रोटोकॉल्स करेंगे और वो कवर करती हैं सब कुछ, राइट? तो हमारा ठीक है मैम। और मैं ट्रांसजेंडरेशनल, हाँ, ठीक है। और मैम कि किसी मैम ने बोला कि आप मेडिटेशन, मैंने तो चलो नहीं अटेंड कर पाई, मुझे पता नहीं था, तो जैसे वो बोल रहे थे कि काफी इफेक्टिव थी, तो आप अगर साथ में अगर वो ज्वाइन हो जाए तो हमें भी पता चल जाएगा और हमें और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और हमें पूरा मिक्स मैच एक कोर्स मिल जाएगा ना, तो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है, मैं बात करके मैं बताती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट मी जस्ट टॉक, क्योंकि वो क्या था, उस टाइम हमने 5 दिन का कोर्स किया था और ऑफ कोर्स अच्छा 5 से ज्यादा चाहते थे लोग, 5 दिन से ज्यादा, तो अगर 8 दिन का भी क्लासेस हुई उसको लेके, तो फिर मतलब वो ये 8 दिन का ऑलरेडी है ना 8, तो एक एक और मंथ करना पड़ेगा ना, उस हिसाब से बात कर रहे थे, ठीक तो है मैम, मैं कोई नहीं, आप अपना देख के। हाँ जी कोई बात नहीं, नहीं, मुझे आप कोई कर प्रॉब्लम लीजिए। नहीं, मैं पूछ के आपको कैसे डिजाइन हो सकता है। जी और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मुझे कोई वो मेडिटेशंस बहुत वंडरफुल थी, देर वॉज नो डाउट, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि उसमें हमने पूरा हर इशू को लेके रिलेटेड विजुअलाइजेशन की थी, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूट्रस भी किया था पूरा, सो पूरा यूट्रस को हम उसके अंदर क्या क्या भाग है और कैसे उसको फॉर्म करते हैं वो सब पूरा किया था, ठीक है? और सो शुड बी एंड द सेशन, किसी और को कुछ पूछना है या कहना है तो आप बोल सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे हाँ जी, ये जो आपने बताया है कि लॉस ऑफ ट्विंस, अबॉर्शन, ये चीजें हम कवर करेंगे, जो आजकल इसी में ही आजकल लड़कियों को पीसीओडी होती है या और भी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को सिस्ट हो जाती है, बार बार हो जाती है, तो ये कनेक्शन किसके साथ होता है? हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका अपने आप को वूम, यस, वूम से रिलेटेड होता है, जो इमोशन होता है, कहीं ना कहीं हम अपनी फेमिनिटी को रिजेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि अगर हम फीमेल नहीं होते, इसके बदले मेल होते तो बेटर होता, तो फिर हम वो जो चीजें हमारी बॉडी एक्सपीरियंस करना चाहती है ना एज अ फीमेल, वो हम उसको एक्सपीरियंस नहीं होने देते, तो इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सिस्ट और इन टर्म्स ऑफ यू, सो ये सब इश्यूज का कहीं ना कहीं ऊपर जो है या मूल कारण जो है वो ही है कि वी आर नॉट रेडी टू बी फंक्शन आर अलाउ आर बॉडी टू फंक्शन एज अ फीमेल, मतलब हैव दोस फीमेल क्वालिटीज और सोच फीमेल, से, मतलब सोचने से। ठीक हाँ राइट करेक्ट, है तो मैम ये भी रिमूव होगा, जैसे हमारी ये नेगेटिविटी सोच होती है कईयों की, जैसे प्रॉब्लम आती है मोस्टली, मैंने लेडीज देखी है 95% सिस्ट निकलती है, जो कि ये प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा कहते हैं ना, हाँ रुकावट सी हो जाती है, तो वो बार बार ऑपरेट करवाती हैं और बार बार आ जाती है। आजकल बहुत ज्यादा मेडिसिन ले लेके उन्होंने अंदर इन्फेक्शन रहती है, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम्स मोस्टली मैंने लेडीज में देखा है। तो ये चीजें वही कह रही हूँ, ये सोच, ये नेगेटिव सोच, ये मेडिस उससे जो आप मेडिटेशन ऐड करेंगी उससे हील होंगी, या अपना कोर्स में ये है कि ऑलरेडी ये बहुत कुछ दोनों में फेस, हम कवर्ड मैं भी खुद है, भी करती हूँ। जी हाँ दोनों में कवर्ड है, इसमें भी है कि और उसमें भी है कि उससे दोनों का तरीके अलग है,
ओके, एक अच्छे। में आपका तरीका है आप विजुअलाइजेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू, उसमें भी अफर्मेशंस हमने यूज की थी, थ्रू आप कर रहे हैं। ये प्रोसेस है, इसमें आप पूरा प्रोटोकॉल ईएफटी का यूज कर, तो इसका तरीका ऐसे वूम हीलिंग बहुत तरीके से की जाती है। इवन वी हैव शमानिक वे ऑफ डूइंग वूम हीलिंग, देन मुन्ने की राइट्स हैं जो 9th राइट ऑफ शमानिक में, उसमें भी वूम हीलिंग का करते हैं लोग। सो डिफरेंट मंदिर डिफरेंट नॉट नाइन। हाँ जी ठीक है मैम। तो मैम, ये जो आप शमैनिक क्रिस्टल का कोर्स लेके आ रही है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में पूछ सकती हूँ? उसमें भी इंक्लूडिंग है, उसमें क्या है? उसमें भी ये वोम हीलिंग है, इसके बेस में टच है, इसका इंक्लूडिंग है उसमें? क्रिस्टल शमानिज्म में हाँ एंसेस्ट्रल वूम्स है, और वूम हीलिंग ऐसे नहीं है। सी उसमें वूम हीलिंग नहीं, एंसेस्ट्रल क्रिस्टल कोर्स में हीलिंग है, और उसके अंदर आई थिंक मदर वूम भी है शायद, मेरे ख्याल से 1 मिनट, इनर चाइल्ड के हीलिंग का है उसमें। सो वो एक एक एस्पेक्ट है ना, समझ गए? ये इसमें जो है स्पेसिफिकली जो सिचुएशंस होती हैं, जैसे मिसकैरेज, अबॉर्शन, या ट्विन, या क्या बोलते हैं, ट्रोमैटिक बर्थ, या सिजेरियन बर्थ, या ये इस तरह से नहीं होगा उसमें, है ना? तो क्रिस्टल शमानिज्म जो है वो अलग ही तरह का कोर्स है। वो कोर्स है जैसे मैंने ऑलरेडी बेसिक कोर्स लिया शमानिज्म का, एडवांस कोर्स चल रहा है, और वी कैन डू शमानिज्म थ्रू क्रिस्टल्स आल्सो। सो उसमें हम क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इनफैक्ट वो एक तरह का ऐसा कोर्स है जिनको क्रिस्टल्स वो यूज करते हैं, पर वो उसको अलग तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिसाइड्स रेकी, बिसाइड्स ग्रिड, बिसाइड्स क्रिस्टल हीलिंग, तो वो ये शमानिज्म के थ्रू भी करेंगे, तो उसमें भी वो हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टल्स होंगे। तो वो बहुत मैम, बढ़िया इसके लिए कोर्स जरूरी तो नहीं, जरूरी है। है, जैसे मैंने शमानिक का कोर्स नहीं किया तो मैं अगर क्रिस्टल कर सकती हूँ तो ये जरूरी है कि मुझे शमानिक के बारे में, मुझे वो कोर्स लेके ही ये क्रिस्टल करने चाहिए, या नहीं बिना नहीं उस आपको कोर्सेज के भी मैं ये तो ज्वाइन कर जो सकती हूँ? बिना उसके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो कोर्स मैंने पूरा डिजाइन किया है। मैं ज्यादातर अपने सारे कोर्सेज ऐसे डिजाइन करती हूँ कि जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली भी, चाहे आपने कोई और कोर्स उसमें नहीं किए हैं, लेकिन वो कोर्स में वो चीज का कवर होगा, जिससे कि जितना आपको नॉलेज चाहिए उस चीज के लिए करने के लिए। तो उसमें आप सारी चीजें गो थ्रू करेंगे जो शमानिक को उसमें आप कर रहे हो, लेकिन शमानिक का ऑफकोर्स उसमें डेप्थ अलग तरह की है, उसमें डिटेल्स अलग तरह की है, यहाँ पे डिटेल्स उस तरह की नहीं आएंगी, बट यू विल कवर ऑल द एक्टिविटीज बट थ्रू क्रिस्टल, लेकिन नॉट विद दैट, उस तरह की डिटेल्स के साथ, पर वो पूरा कंप्लीट उसमें होगा, कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि अरे मैं ये कोर्स में पहले जाऊं फिर वहां पे देख लूं फिर इधर आ जी, जाऊं। वही मैं पूछ रही थी। जी, इसीलिए जो ये ठीक है। ईएफटी का है, ये ईएफटी का टोटल है, इसका ये नहीं है कि आपको विजुअलाइजेशन एक अलग है, उसका तरीका अलग है ना। तरीका लग, ऑफ ठीक कोर्स है, वी कैन समझ ज्वाइन टुगेदर, ऐसा नहीं है, हम दो जी, समझ गए। टू हाँ, हैव थैंक यू कंप्लीट। मैम, थैंक यू सो मच। इसमें तो मैम मैंने एनरोल पहले ही कर लिया हाँ, था थैंक इस कोर्स में। जी, यू। और क्रिस्टल का भी मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि क्लासेस लेने के लिए, लेकिन अगर आपका ये मैम टाइमिंग क्या है इस कोर्स का, होम हीलिंग का, होम ये हीलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? 14 14 फरवरी 4 बजे ओके, 4 बजे, ठीक है, फिर तो ठीक मंडे है। वेडनेसडे, ओके मैम, और ठीक है, क्रिस्टल का है तो जो मैम वो 11 बजे जी, हो अच्छा, फिर वो सैटरडे पॉसिबल नहीं संडे। है मेरा, मैं रिकॉर्डिंग देख के मतलब चल सकती हूँ आपके साथ अच्छा ओके। हाँ साथ साथ, जैसे लाइव नहीं आप देख पाऊंगी तो रिकॉर्डिंग देख के मैं नेक्स्ट डे कोशिश करूंगी, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो वो सैटरडे मैं संडे को पूछ है। सकती हूँ। अच्छा जी, सैटरडे, ठीक है, कोशिश करूंगी मॉर्निंग में, हाँ श्योर, वैसे तो ले ही रही हूँ। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, मेरा थैंक काफी मन था आपके साथ लाइव जुड़ने का, कभी मौका ही नहीं मिला। नहीं, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। जी, थैंक सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर मैम, ये जॉइनिंग। वेबिनार थैंक था यू क्या? ये सर। पहली क्लास थी मैम, ये वेबिनार था ना? नहीं
मतलब तुमको क्लास की तरह ही सब कुछ सिखा काफी दिया। नॉलेजेबल है हाँ ना। वही वही, आपने पूरा एक एएसटी का एक पूरा मतलब एक राउंड भी टॉपिक करा दिया, बता दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि जो भी अटेंड करते हैं अपना टाइम देते हैं तो एटलीस्ट दे शुड गेट अच्छा एक्सपीरियंस, कि वो उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके, भले ही ज्वाइन करें या ना करें। नहीं है मैम, ये मैम बहुत कुछ बढ़िया चीज वर्ड्स करा थे दिया आप। हाँ जी, नए हैं हमारे लिए, मैम मेरे लिए तो नए हैं, लेकिन मुझे ये है कि मुझे और घुसना है, और देखना है, और इसके बारे में जानना है, एक एक वर्ड आपसे पूछना है। जी हाँ जरूर जरूर कभी। मैम ये कब शुरू हो रहा है? ये 14 तारीख को पक्का शुरू होगा ना? क्योंकि आजकल एकेडमी में ये हो रहा है कि मैंने भी मिथुन जी की कर्म विपासक संहिता भी ज्वाइन की थी, सोच के कि 28-29 जनवरी में शुरू होगा, अभी फिर वो 17 तारीख को हो रहा है। नहीं, मेरे कोर्स तो आज तक कभी डिले नहीं हुए हैं, सिर्फ एक्सेप्ट वन कोर्स जो था, लेकिन वो वैसे कोई सीट डिले। थेरेपी का, लेकिन वो मैम वो आप लेकर आना सीट थेरेपी, हाँ मुझे वो जरूर, ज्वाइन करना है। ठीक हाँ लेके आऊँ जरूर, लेके सी थेरेपी है का मैम, फिर करना ईएफटी चाहिए। फिर 14 तारीख से ज्वाइन करते हैं। थैंक हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।